मैंने जब 22 वर्ष पहले ये सब कार्य शुरू आरंभ किया और मेरे गुरु ने मुझे रामस्वरूप जी की और सीताराम जी की जब पुस्तकें दी, तो उस समय वे पूरी 40 पुस्तकें खरीद के फ्री में बांटते थे, लेने वाले नहीं थे। आज जब मैं रामस्वरूप जी पर कोर्स लेता हूँ उनके, उस पर 2500 हम फीस रखते हैं, तो 250 से 300 लोग 2500 फीस देकर उसको पढ़ते हैं। आज समाज 22 साल में इतना बदल गया, तो आशा रखिए, क्योंकि ये होगा, हम सनातन हैं, हम बचेंगे ही, निश्चित ही हम बचेंगे। स्पष्ट कर दूं, हिंदू एकता तो होनी चाहिए, परंतु हम हारते और अभी तक हारते कई रूप में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शत्रु बोध नहीं, हम यह नहीं जानते, हम तो सब सर्वधर्म समभाव मानते हैं, ये तो भाई हैं। जब भाई हैं तो जब यूथ को, जिसको आपने 3 पीढ़ियों तक यह समझाया, जिस युवा को, कि ये तो सब बराबर हैं, रिलीजन, ये सब रिलीजन है, ये सब एक ही धर्म है और ये सब बराबर है, तो जब वो ईसाइयत अपनाता है तो और पूछता है तो बराबरी तो थे, तो मैं बदल गया तो क्या हुआ? हिंदू ढंग क्या है? आपको जो मान्यता है माननी है, माननी है, आपको जो भोजन खाना है खाइए, बस आप दूसरों पर, दूसरों को बाध्य ना करें, अपनी जीवन पद्धति पालन करें। परंतु जब ईसाइयत और इस्लाम जैसे मजहब आ जाते हैं आपके बीच में, ऐसा शत्रु आपके बीच में आ जाता है, तो आपको अपने हिंदुओं को और जागृत करने की आवश्यकता। ग्वालियर से मैं था, ग्वालियर में आप बाड़े पर अगर खड़े होकर चिल्लाएं तो दूसरा सुनने वाला नहीं था, और सब मुझसे कहते तो उनका जीवन बर्बाद कर रहे हो, करियर बर्बाद कर रहे हो, क्या हिंदू मुस्लिम किसमें लग रहे हो, इससे क्या होता है, क्या होना। और आज मैं देख रहा हूँ कि जब जयपुर डायलॉग्स जब आयोजित होता है तो लोग 10,000 के टिकट देख के, हजारों लोग वहाँ ये बातें सुनने के लिए आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है, आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हम चर्चा कर रहे हैं पंकज सक्सेना जी के। पंकज जी हिंदू संस्कृति, भारतीय कला, साहित्य, इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों के गहन जानकार हैं। उन्होंने हिंदू मंदिरों में पूर्वोत्तर के इतिहास पे और चर्च द्वारा संचालित जो धर्मांतरण गिरोह हैं, गैंग्स जो हैं, इन सभी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है। पूर्वोत्तर में जाके रह के काम करते हैं, ऑन द ग्राउंड, हवा में बात नहीं करते, वो जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब आके अपनी चर्चा रखते हैं। हिंदुओं को वो सांस्कृतिक पहचान बनाने और एकजुट करने की जो आवश्यकता है उस पर हमेशा बल देते हैं। पंकज जी ने 600 से अधिक प्राचीन हिंदू मंदिरों की यात्रा की है। उन्होंने अपने लेख, उनके छपते हैं इंडिया फैक्ट्स में, इंडिया टुडे में, प्रज्ञता स्वराज में, सिर्फ न्यूज़ और विजयवाणी जैसे मंचों पर कई बार उनके अलग अलग लेख प्रसारित हुए हैं। उन्होंने 3 अलग अलग किताबें भी लिखी हैं। वर्तमान में पंकज भाई जो हैं वो राष्ट्रम स्कूल जो सोनीपत में है और राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सेंटर ऑफ कल्चरल लीडरशिप के निदेशक भी हैं। ये जो इनकी प्रोफेशनल पहचान है वो ज़रूरी नहीं है, इनकी जो व्यक्तिगत पहचान, जो मुझे इनसे बात करके लगा, मुझे ऐसा लगता है हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के आसपास की चर्चाएं होती हैं उसमें अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चर्चा करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन पंकज भाई ऐसे इंसान हैं जो राम स्वरूप जी के भक्त हैं और राम गोयल जी के भक्त हैं, सीताराम गोयल जी के भक्त हैं, तो इन्होंने इस्लाम को बहुत करीब से देखा और समझा है। और हिंदू धर्म को जो एक मुहिम है कि सनातनियों को एकजुट होना है अपनी परंपराओं पे, अपनी प्रतिष्ठाओं पे, और सनातनियों को जिस प्रकार से अनुशासित होकर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, उस पे जो एक गहन सोच है वो भाई की है। जब मैंने इनसे बात करी तो मुझे की बहुत सारी जानकारी नहीं थी। इन्होंने मुझे समझाया नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल है, वहां पे किस प्रकार से लोगों को रखा जा रहा है, किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और किस प्रकार से निरंतर सरकारें फेल हो रही हैं, किस प्रकार से हिंदू धर्म का जीनोसाइड हो गया। जीनोसाइड का मतलब केवल फिजिकल बॉडी जो होती है, मनुष्य का शरीर का जीनोसाइड नहीं होता, धर्मों का भी जीनोसाइड होता है। हिंदू धर्म का जीनोसाइड हो रहा है, हमारा धर्म मारा जा रहा है, लोगों के मस्तिष्क से खत्म किया जा रहा है, हमारी शैक्षिक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हमारे धर्म को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे धीरे। तो हिंदू लोगों का जीनोसाइड हो ना हो, मानसिक रूप से हिंदू धर्म का जीनोसाइड इस देश में लगातार किया जा रहा है, और पंकज भाई उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहते हैं। पंकज भाई से मिलिए, आप लोग उनकी बातें सुनिए और मुझे बताइए कॉमेंट करके कि आप लोग कितने अग्री या डिसअग्री करते हैं।
तो पहले पहला जो मेरे दिमाग में बार बार ये हमेशा जेन्युइनली आता है, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई वो है, कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है, फिलोसॉफिकल है, कल्चरल है, दुनिया के ऊपर भारत के स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस कितना है, पहला सवाल। उसी में जो सप्लीमेंट्री वो ये है कि लोग मानते क्यों नहीं इस बात को कि है, पीपल डोंट एक्सेप्ट इट एक्चुअली। तो पहला तो यह अवश्य है कि भारत का जो प्रभाव है पूरे विश्व पर और विश्व के कई बड़े प्रमुख हिस्सों पर बहुत है। जिस तरह से अगर सबसे बड़ी दो सभ्यताओं की बात करें तो भारत के अलावा आज भी और पिछले 3-4 हज़ार वर्षों से एक ही सभ्यता रही है जो भारत का सामना कर सकती है, वो चीन है। क्योंकि किसी और सभ्यता के पास ना इतनी संख्या रही थी, ना इतना इतिहास रहा था, ना इस प्रकार का समाज रहा था कि वो भारत का आप उससे तुलना कर सके। तो चीन की जब हम बात करते हैं, अगर हम तुलना करें कि भारत का जो प्रभाव है वो कहाँ और गया और क्या हुआ, उसके बड़े सारे प्रभाव हैं। कई रूप से यूरोप के ऊपर भी हमने प्रभाव डाला, बाकी और सभ्यताओं के ऊपर भी प्रभाव डाला, पर चीन पर जो सबसे बड़ा प्रभाव है कि चीन को ध्यान की पद्धति देना और उसका दर्शन देना, एक बना बनाया दर्शन देना बौद्ध धर्म के रूप में, वह भारत ने किया। तो चीन के अंदर भी देवी देवताओं की पूजा होती है जैसे सनातन धर्म में होती है, उनके अपने स्थानीय देवी देवता हैं। हमको ये बहुत गलत ख्याल है कि वह पूर्णतः बौद्ध है, जैसे हम ये पेपर पर है। या कम्युनिस्ट तो उनकी सरकार है तो वो तो जबरदस्ती जो आपसे बुलाएंगे वो लिखेंगे, परंतु अब सरकार ने जबरदस्ती करना इसके मामले में बंद कर दिया। पिछले 10 साल से विकिपीडिया में भी अगर आप देखें तो उन्होंने चाइनीज रिलीजन को जब आप अभी भी सर्च करके देखिए तो उसमें अब आने लगा है कि 90% फॉलो चाइनीज एंसेस्ट्रल रिलीजन, 4% फॉलो बुद्धिज्म, ऐसा ऐसा थोड़ा सा ही वो एथेस बताते हैं। जो जेन्युइनली एक समाज में 1-2% हो सकते हैं जो सोच के नकार दें, वो उतने उनके यहाँ भी हैं। बाकी और माय वाइफ वेंट टू चाइना एंड शी सेड सबसे बड़ा मंदिर जो था जी बौद्धों का था और वो अति विशाल मंदिर था और लाइनें लगी थी वहाँ। जी 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 बिल्कुल, वो बड़ा धार्मिक समाज जी जी जी। तो अब वो जबरदस्ती करना उन्होंने बंद कर दिया है। तो उनके यहाँ भी देवी देवताओं की पूजा होती थी, मंदिर थे, सारी रीतियां थी, पर अगर कहें कि एक व्यवस्थित ध्यान की परंपरा उनके यहाँ इतनी विकसित नहीं थी, ऐसा नहीं था नहीं थी, इतनी विकसित नहीं थी जो भारत के अंदर थी। तो योग सूत्र भारत में उनकी रचना हुई और योग सूत्र के बाद जितनी सारी पद्धतियां आई, संप्रदाय आए, बौद्धों ने भी उसका लाभ उठाया। तो बौद्ध भी जब अगर आप बौद्ध धर्म अपनाएंगे अथवा उनकी बात मानेंगे और ध्यान करेंगे तो वही कर रहे हैं जो योग सूत्र में जिसका वर्णन है। तो जब यह विचार और यह पद्धति चीन गई तो उनकी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित हुई और ध्यान के द्वारा। तो सबसे बड़ा अगर योगदान आप कहें कि चीन एक धार्मिक समाज बना, पूर्णता नहीं क्योंकि उनके कुछ कमी रह गई उनके समाज में, पर इतनी बड़ी सभ्यता इस रूप से इतनी बड़ी धार्मिक समाज बनी, उसका योगदान भारत का है कि भारत ने जो एक्सपोर्ट किया, बौद्ध धर्म का एक्सपोर्ट किया। हमारे यहाँ तो बहुत सारे संप्रदाय थे, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो बहुत बड़ी धारा भारत के अंदर नहीं बना, परंतु चीन में उसकी आवश्यकता थी और वहाँ उसने वो एक कह सकते हैं गैप फिल किया और उनको पूर्ण किया चीन को। तो चीन में सबसे बड़ा योगदान। उसके बाद एक लिस्ट है, वो तो बहुत लोग गिनाते भी रहते हैं, जिस तरह से जो गणित में जो आविष्कार है, जीरो है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वह एक अलग बात है। लेकिन अगर भाषा के स्तर पर कहें, वो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, भाषा के स्तर पर अगर हम कहें तो संस्कृत का जो योगदान है, जब 19वीं शताब्दी में यूरोप भारत पर पुनः अपनी दृष्टि डाल रहा था और वह सोच रहे थे कि हमारी जड़ें जो हैं, हमारा जो प्रेरणा है वो कहाँ कहाँ से आई है, तो लिंग्विस्टिक्स में, भाषा विज्ञान में जब उन्होंने शोध किए तो उन्हें समझ में आया कि ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप है, अथवा आप अगर अंग्रेजी और फ्रेंच का अध्ययन करें और संस्कृत का अध्ययन करें तो इनके धातुओं में बहुत समानताएं आपको दिखेंगी। तो जब उन्होंने ट्रेस किया तो यह निश्चित ही सबसे प्राचीन भाषा उसमें संस्कृत ही है। तो संस्कृत का योगदान उनकी भाषा में, उनकी भाषाई चेतना में बहुत बड़ा है। तो यूरोप आज जो जिस रूप से सोच पा रहा है उसमें भाषा का बड़ा योगदान है, अगर हम उस दृष्टि से सोचें तो उसमें संस्कृत का और अथवा भारत का योगदान है। और इस प्रकार से ये दो मुझे सबसे बड़े योगदान देखते हैं कि ध्यान का एक पद्धति जापान तक है, जापान तक है, क्योंकि जापान में भी ज़ेन, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। आप अगर भूगोल पर जाएंगे तो जो वियतनाम है वहां पर आपको बहुत सारे हिंदू मंदिर देखते हैं। इंडोनेशिया का जो सबसे पूर्वी जो राज्य है, इरियनजय, जो न्यू गिनी का पश्चिमी भाग है, उसकी राजधानी का नाम है जयपुर। एक जो स्वतंत्र देश है ब्रुनेई, जो इस्लामिक देश है पूरा, परंतु उसका जो राजधानी का नाम है बंदर सेरी बेगावन, उसका अर्थ है अगर आप उनकी भाषा में वो बंदर श्री भगवान, तो वो हनुमान के नाम पर ही है। इस तरह से मैकोंग जो है वह माँ गंगा का अपभ्रंश है, तो उसको मैकोंग, जो उत्तर पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है, गंगा से भी बड़ी नदी है, परंतु गंगा का प्रभाव इतना बड़ा है कि मैकोंग का नाम गंगा के नाम पर पड़ा। गंगा इस तरफ, सर इस तरफ तो शायद इन लोगों का था ना, जो चोल वंश थे, इनका प्रभाव ज्यादा पड़ा। और भी वंश गए, उड़ीसा से भी कई राजा गए हैं जिन्होंने वहां राज किया है। और हिंदुओं का जो कह सकते हैं सांस्कृतिक, उनके ऊपर प्रभाव और भी डीप है, क्योंकि एक श्रीविजय साम्राज्य था जो आज
ये जो सुमात्रा है, इंडोनेशिया का जो आइलैंड है, जो द्वीप है, वहाँ श्रीविजय एक एम्पायर हुआ करता था। इसी तरह से जावा में बहुत बड़े हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे। अंकोरवाट आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, तो वह अंकोरवाट है। उसको अब लिविंग नहीं है, उसमें पूजा इतनी नहीं होती, परंतु वह सबसे बड़ा अगर मंदिर कहीं बनाया गया तो अंकोरवाट पर बनाया गया। तो उत्तर पूर्व में तो है, यहाँ तो हमारा है ही, परंतु यूरोप के ऊपर भी बहुत सारे प्रभाव, जैसा मैंने कहा भाषा के रूप से जो प्रभाव बड़े प्रगाढ़ है। जो उनका एक ग्रुप है, एक समुदाय है, रोमा रोमा करके, वह भारत से ही गया हुआ है। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध के बाद कुछ प्रजातियां, जब उनको निकाला गया, तो वे घूमते घूमते और धीरे धीरे वे यूरोप में पहुंच गए और वहां बस गए। तो वे उनकी भाषा है, इनके भी यजदी को भी कहा जाता है, हालांकि महाभारत के युग के नहीं, बाद में कभी एक स्प्लिंटर जो गया और वहां पर हो गया। वे कभी बताते नहीं थे कि वे हिंदू हैं, क्योंकि इराक में यह बताना आत्महत्या करने लायक है के बराबर है। परंतु जब उनको मारा ही गया, जब उनको पहचान के, तब ये समझ में आया। उस समय भारत में कई गोष्ठियां भी हुई जिसमें ये ऑनलाइन जब गोष्ठी होती थी, जब आईसिस के उनके आक्रमण हुए, तो उसमें वो, मैंने कई उन यजीदी जो शोधकर्ता हैं उनसे बात भी की, तो वे अब तो बड़े ओपनली ये बोलते हैं कि हाँ, हम हिंदू ही हैं। और वो कार्तिकेय की पूजा बहुत करते हैं, तो उसमें मोर की पूजा इस तरह से बहुत है। अगर आप अजरबैजान जाते हैं, तो अजरबैजान में आज भी एक अग्नि मंदिर है, तो वो फारसियों का अग्नि मंदिर नहीं है, क्योंकि उसमें संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है, बाकू में। हाँ, जो बाकू के पास जो है, वह मतलब आपका जो हिंदू अग्नि का मंदिर है, वो केवल फारसियों का मंदिर है, क्योंकि अग्नि की पूजा वे भी करते हैं। और इसी तरीके से चीन का, अगर मंदिरों की बात करें, चीन का हैनान प्रांत में एक हनुमान मंदिर मिलता है, जो 16वीं शताब्दी का है। तो उस समय तक हमारे जो नाविक हैं, वो एक दूसरे के देश में जा रहे थे, यहाँ पर विचारों का, धर्म का आदान प्रदान हो रहा था। ये रुकता है, उसके बाद में ये प्रक्रिया पूर्ण रुक जाती है, परंतु उसके पहले था। अंत में जो सबसे बड़ा प्रभाव हम कहेंगे, जिसको मैं सनातन छत्र की भांति बोलता हूँ, कि सनातन धर्म ही एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे विश्व पर भी अगर राज करे, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय धर्म हैं, संस्कृति हैं, भोजन का ढंग है, पहनने का जो ढंग है, जो भाषाएं हैं, उनको नाश किए बिना उनका संवर्धन करेगा। क्योंकि सनातन धर्म ही एक है, बाकी सब जब बढ़ते हैं तो दूसरे का नाश करके बढ़ते हैं। आप देखिए, अभी भी जो कन्वर्जन का जो गेम चलता है, तो हम आपको समाप्त करके हम बढ़ेंगे, परंतु सनातन धर्म का बढ़ने का जो ढंग है वह अलग है। और इसके उदाहरण है भारत के अंदर ही, जब आप मणिपुर में जाते हैं, आजकल मणिपुर बहुत चर्चा में है, तो मणिपुर में जो मैतेई समुदाय है, जो वादी में रहता है और जो वैष्णव हिंदू है, तो आप किसी भी मणिपुरी घर में जाएंगे, मैतेई घर में जाएंगे, तो वे हिंदू तो हैं, परंतु उनके घर में सानामाही का आपको मूर्ति भी मिलेगी, जो उनके मैतेइयों के देवता है। तो उनके बहुत सारा, उनकी पूरी एक मिथोलॉजी है, उसमें पाखंगबा है, सानामाही है, और हर मैतेई घर में सानामाही की मूर्ति आपको मिलेगी। तो कभी जो हमारे साधुओं ने, जब उन्होंने शिव को अपनाया, विष्णु को अपनाया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सानामाही को आप तोड़कर इनको फेंक दो, ये फॉल्स गॉड है, जैसा कि ईसाई मिशनरी करते हैं कि आपके शिव तो शैतान है, विष्णु तो शैतान है, ईसा सी अकेले जो है भगवान है, और इनकी आप पूजा करिए, ये हमने कभी नहीं करा। तो सनातन धर्म जब फैलता है, तो स्वयं तो बढ़ता है, परंतु दूसरे भी बढ़ते हैं। जहां वो फैल रहा है, वे धर्म, वे संस्कृतियां, उनका भी संवर्धन होता है, ना कि उनका नाश होता है। तो अगर आप एक कहें मुझे चुनने को कि सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, पूरे विश्व को, तो वो यह है, ऐसी एक व्यवस्था खड़ी करना, इंक्लूसिवनेस, और हाँ, इंक्लूसिवनेस, जिसमें सबकी संस्कृतियां बनी रहें और आपका भी संवर्धन हो, एक ऐसी केंद्रीय संस्कृति भी हो जो आपको भटकने ना दे, तो यह सबसे बड़ा योगदान है भारत का, पूरे विश्व का। ये जो हमारा वो है, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पशुपतिनाथ बैठे हुए हैं, जो योगा की उनकी पोजिशन है, तो ये मैं किसी विदेशी चैनल पे देख रहा था, तो उनके पैर ऐसे नीचे की तरफ हैं, उस पोजिशन पे मैं योग करता हूँ, मैंने ट्राई करा, पॉसिबल नहीं है बैठना, मतलब मुझे ऐसा लगता है इम्पॉसिबल है ऐसे बैठना। तो वो उस स्थिति में 5,000 साल पहले अगर वो बैठे थे, इसका मतलब योग तो उसके पहले भी रहा होगा, तो महर्षि पतंजलि ने भले उसको सूत्र में बांध दिया हो, पर योग मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है ना। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि जो भाषाओं की जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टनेस क्यों आती है, एक संस्कृत और तमिल में ये बड़प्पन वाला ड्रामा क्यों चालू हो जाता है, बड़ा कौन है? तो योग पतंजलि ने, पतंजलि ऋषि पतंजलि ने बाद में लिखा, तो यह तो हमारे यहाँ की प्रथा ही है, ग्रंथ बाद में लिखा जाता है, वह प्रैक्टिस पहले से समाज में होती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है हमारे समाज में और पश्चिमी समाज में, या अथवा आप ईसाई और इस्लामिक समाज में, वहां एक किताब में क्या लिखा है, लोगों को वो पालन करना है। हमारे यहाँ जो लोग पालन करते हैं, वह फिर पुस्तक में लिखा जाता है। तो लोगों की जो मान्यताएं हैं, वे लोग फ्री हैं, वे समाज पूरा फ्री है कि हमारे नियम क्या हों, हम कैसे विवाह करें, हम कैसे भोजन खाएं, ये जो स्थानीय जो लिमिटेशंस हैं उनके उसमें, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में बहुत सारे सीमाएं हैं, उन सीमाओं का ध्यान रखते हुए सस्टेनेबल
जो हम बात करते हैं उसको रखते हुए हम जब करते हैं तब यह हमारी जो प्रथाएं बनती हैं, वे जब प्रथाएं बनती हैं उनको बाद में पुस्तक में लिखा जाता है। तो योग सूत्र लिखने के बाद योग नहीं होना चालू हुआ, योग बहुत पहले से हो रहा था, उसको फिर कटिबद्ध करके किसी एक ऋषि ने, महान ऋषि ने उसको एक पुस्तक में सूत्रों में उसको बांध दिया गया। तो उसकी प्रक्रिया ये। और दूसरा सवाल, तमिल और संस्कृत में कंपटीशन क्यों करते हैं लोग, और हिंदी और संस्कृत तमिल में कंपटीशन क्यों करते हैं लोग? जी, वो क्यों है? तो देखिए, वो तो एक तो आधुनिक राजनीति है जो आज के समय की राजनीति है कि हिंदी, पहले तो मैं हिंदी और उसके, क्योंकि दोनों के उत्तर बड़े अलग हैं। हिंदी में तो बहुत स्पष्ट है कि अगर मैं, जहाँ मेरा जन्म हुआ और जन्म से मैंने जो भाषा बोली ही नहीं, एक शब्द भी मुझे सुनाई नहीं दिया गया, अगर मैं 25 वर्ष का होने के बाद मुझे बताया जाता है कि ये मेरी राष्ट्रभाषा है तो मेरे अंदर विरोध तो आएगा ही। तो जब हिंदी को थोपा गया, और हम इसको बड़ी अच्छी बात मानते हैं हमारे महान प्रिय चाचा नेहरू की, हम ये समझते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, पर ये भी उन्होंने जो कार्य किया है, देखिए हिंदी व्यापार की भाषा हो सकती है। आप आज चेन्नई जाइए, किसी दुकान पर जाइए, भोजन मांगिए, जितने शब्दों की आवश्यकता है वे हिंदी में बोल देंगे, इससे उनको समस्या नहीं है। परंतु आप अगर उनसे कहेंगे कि यह आपकी राष्ट्रभाषा है तो उनको उससे समस्या होती है। तो हुआ क्या, जब हिंदी एक कितने भी क्षेत्र उसकी इस भाषा को बोले, वो है स्थानीय भाषा, वो है क्षेत्रीय भाषा, वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्योंकि जिसने पूरे कर्नाटका में, आज गुजरात, आप कर्नाटक तो छोड़ दीजिए, तमिलनाडु तो छोड़ दीजिए, गुजरात जो दोनों ओर से हिंदी प्रांतों से ही घिरा हुआ है, अहमदाबाद के से बाहर मेहसाणा में आप चले जाइए, जो वहाँ के समाज हैं, आप गाँव में जाइए, उनको एक शब्द वो हिंदी का इस प्रकार से नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने पले बड़े ही उस गुजराती भाषा में, उनकी त्रुटि नहीं है। इनके ऊपर हिंदी थोपना, एक भाषा को थोपना बहुत गलत कार्य था। हमारी अगर कोई राष्ट्रभाषा हो सकती थी वो केवल और केवल संस्कृत हो सकती थी। अब लोग कहते कि संस्कृत तो डेड भाषा है, अब डेड भाषा को कैसे करेंगे? तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब इसराइल बना तो इसराइल में जो यहूदी आए वे 60 से 65 देशों से घिर के यहूदी आए, और वे 2-3 वर्ष पहले नहीं गए थे, वे 1500, 1200, 2000 वर्षों से उन देशों में रह रहे थे। तो उनकी एक नहीं, सैकड़ों पीढ़ियाँ, सैकड़ों नहीं कहना चाहिए परंतु दसियों बीसियों पीढ़ियाँ किसी और देशों में बीती हैं। तो कोई अरबी बोलता था, और ऐसी भाषाएं कि कोई अरबी बोलता था और कोई फ्रेंच बोलता था तो कोई स्पेनिश बोलता था, और इस तरह से इतनी भिन्न भाषाओं में अफ्रीका से भी जो जो उनकी जाति प्रजातियाँ हैं वो उठ के गईं। और जब उन्होंने इसराइल बनाया तो इनको एक कैसे, कौन सी भाषा हो, तो उन्होंने जो उनकी प्राचीन भाषा थी हिब्रू उसको रिवाइव किया, और सरकार ने, राज्य ने बहुत प्रयास किए कि सबको ऐसे नए सेंटर खोले जाएं, हिब्रू सिखाई जाए। 5 से 7 वर्षों के अंदर वह एक स्पोकन लैंग्वेज बन गई। आज आप इसराइल में जाइए तो वे हिब्रू में ही बात करते हैं, लिखते पढ़ते हिब्रू में ही है। तो संस्कृत का रिवाइवल हो सकता था, इसका प्रयास नहीं किया गया, और मैं तो मानता हूँ दुष्टतापूर्वक नहीं किया गया, क्योंकि इस देश को एक करना, इस देश के जो 1947 के नेता थे, उनके कम से कम जो जिन नेताओं की हम अभी चर्चा कर रहे थे, उन नेताओं के मन में तो हिंदुओं को एक करने का मन था ही नहीं उनका। क्योंकि देखिए, एक जनतंत्र में क्या होता है, चुनाव है, चुनाव में सबसे अच्छी स्कीम है कि हिंदू समाज बटा रहे और जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक हैं वो एक वोट बैंक आपके पास है, एक या दो जाति में लाइए, कोई काम ना कीजिए, वो वोट बैंक आपका बना हुआ है, कोई काम करने की कभी भी आवश्यकता नहीं है, विक्टिमोलॉजी क्रिएट करिए, उनके मन में डर भरिए और हिंदू समाज को तोड़ते रहिए। अगर संस्कृत वो ले आते तो इस देश की भाषाएं एक दूसरे से जुड़ती। देखिए, जब भाषाओं में लड़ाई होती है तो नया राज्य बनने का संकट आता है, नया राज्य बनता है तो नया मंत्रालय आएगा, नया सीएम हाउस आएगा, नई असेंबली आएगी, तो नेताओं की बल्ले बल्ले होती है। तो इसके कारण यह जो डिविजिव पॉलिटिक्स है वो बड़ी, संस्कृत हमारी भाषाओं को एक करती है। उसका कारण क्या है, अगर आप किसी भी भाषा में जाएं तो उसका जो धातु है उनके शब्दों के, जो सब जो उनके दार्शनिक शब्द हैं वह संस्कृत के ही हैं, भले ही आप द्रविड़ जिनको भाषा कहते हैं वहां जाएं, अथवा जो उत्तर भारत की भाषा है वहां। मराठी भी संस्कृत से बहुत क्लोज है, मराठी तो है ही, आप मलयालम जैसी भाषा भी है, जैसे मलयालम में सर दर्द को बोलते हैं ताल वेदना, ये ताल है और इसमें वेदना है, शुद्ध संस्कृत है। बादल को बोला जाता है काड़ मेघम, अब ये शुद्ध संस्कृत है। तो संस्कृत ही वह एकता का सूत्र था भारत की भाषाओं में। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो हम पहले बात कर रहे थे, दोनों प्रिंसिपल जो सनातन छत्र है वह यहाँ पे सिद्ध होता है भाषा से भी। हमने किसी क्षेत्रीय भाषा को नाश नहीं किया, बल्कि उनको दर्शन के जो शब्द दिए वह संस्कृत से दिए। तो एक सूत्र में जोड़ा, तेलुगु का भी संवर्धन किया, तमिल का भी संवर्धन किया, कन्नड़ का भी संवर्धन किया, मलयालम का भी संवर्धन किया, और मराठी का भी किया, गुजराती और बहुत सारी भाषा हमारी तो है, और हिंदी तो आई ही, और इन सबको निकट लाए संस्कृत के द्वारा। तो संस्कृत वह एकता का सूत्र है। जब आप संस्कृत को हटा देते हैं तो आप कौन सी लिंगुआ फ्रैंक का भी क्या यूज प्रयोग करेंगे, तो उसमें फिर फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेजी के शब्द हैं। बाद में अंग्रेजी जुड़ गई, पहले फारसी, अरबी और तुर्की है। और इनमें, क्योंकि ये भारतीय हैं ही नहीं भाषाएं, ये जिस चित्तभूमि से आती हैं, जिस संस्कृति से आती हैं, वे भारतीय हैं ही नहीं,
तो उनमें भारत के सिद्धांतों को समझाने का कोई शब्द ही नहीं। जिस प्रकार से अद्वैत की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई सिद्धांत ही उनको नहीं पता, तो उसकी भाषा में वो शब्द क्यों होगा। या मान लीजिए हम इसका प्रयोग करते हैं झूठा, ये ग्लास झूठा है, अब अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द ही नहीं। झूठा तो मतलब लायर, दिस ग्लास इज अ लायर डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि हमारे यहाँ यह उनके यहाँ यह सिद्धांत ही नहीं होता, तो उस भाषा की चेतना में वे शब्द ही नहीं है। जब आप उन शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करने लगे, जो हिंदी के साथ और बहुत अधिक हुआ कि इसमें फारसी अरबी तुर्की बहुत प्रयोग होने लगे, तो फारसी अरबी तुर्की होने के कारण क्या हुआ, फिर जो एकता का सूत्र है वो टूट जाएगा, भाषा एक दूसरे से लड़ने लगेंगी। जनतंत्र में ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक राज्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो नेताओं को उनके बीच में बीच बचाव करना और एक अमुक राजनीतिक चेतना को बढ़ावा उसमें मिलता है, तो इस कारण से ना ही हो पाया। उसमें फनी पता है क्या लगता है मुझे, फनी ये लगता है कि चाचा जो था, चाचा एक तरफ तो कुछ चाचा कह रहा था मैं विश्व शांति चाहता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि आपकी इस बात ने मुझे बहुत इंटरेस्ट जगा दिया मेरे मन में। तो चाचा एक तरफ तो बोल रहा है कि मैं विश्व शांति चाहता हूँ, चाचा दूसरी तरफ बोल रहा है कि सेना खत्म कर देते हैं, और चाचा तीसरी तरफ एक करने वाले केवल एक सबसे बड़े सूत्र को भी खत्म करना चाहता है। तो मेरे समझ में नहीं आया चाचा इतना कंफ्यूज क्यों रहा होगा। वो कंफ्यूज तो नहीं थे, वो बड़े स्पष्ट थे, उनको बहुत स्पष्ट था कि हिंदुओं को तोड़े रखना है और अपना जो राज है वह बिना कुछ कार्य करे उसको आगे बढ़ाना है। और वे क्योंकि वे स्वयं वे कहते हैं कि मैं तो केवल जन्म से ये इंडियन हूँ, मैं तो जो एक्सीडेंटल हूँ और बाकी तो हिंदू हूँ, बाकी तो मेरे जो उनके विचार है जिसमें वो एक्सीडेंट पे बड़े डाउट्स हैं उस पर भी कई लोगों ने बड़े सवाल करे, एक्सीडेंट कौन सा था, कई लोगों को लगता है ये, कई लोग तो बड़े डीप चले जाते हैं, एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे जी, कौन सी पीढ़ी में एक्सीडेंट हुआ था। मैं तो कहता हूँ वो हुआ या ना हुआ, पर उनके जो विचार थे वो तो निश्चित ही भारतीय और हिंदू नहीं थे, वो तो एक्सीडेंट का ही कारण, तो वो कैसे भी हो, उनका जन्म कैसा भी हुआ हो, परंतु उनके विचार निश्चित ही हिंदू नहीं है। तो वे स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं तो वामपंथी हूँ, उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं तो कम्युनिस्ट स्पिरिट से मैं कम्युनिस्ट हूँ, तो उनका तो लक्ष्य नहीं था कि भारत में करना। जब आप भारत के स्वतंत्रता, अगर उस समय सरदार पटेल ना होते तो आज तो मुझे लगता है कि ये देश जो एक भारत बन पाया बंटवारे के बाद ये भी बनता नहीं। और जो प्रांत उत्तर पूर्व में हमारे नेहरू जी ने बहुत हस्तक्षेप किया, तो वहां पर एक एक राज्य के संग उन्होंने ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं की हैं जो अगर आप सुनेंगे तो हक्के बक्के रह जाएंगे। कोई भी एक इंटरेस्टिंग बताइए। जैसे एक के बाद मैं दो तीन आपको बताता हूँ। मणिपुर आज से 1.5 गुना अधिक था। अच्छा। अंग्रेजों ने जब बर्मा पे अधिकार किया और मणिपुर पे अधिकार किया, तब मणिपुर से कबाओ वैली करके है जो आज मणिपुर की सीमा है, वह छीन के बर्मा में इंक्लूड कर दी। वह बर्मा का हिस्सा नहीं थी, वह मणिपुरी मैथिली राज्य 1937 में ही आजाद हुआ है बर्मा अंग्रेजों से। हाँ, वो उसके जब ये 1900 जो पहली 20वीं शताब्दी में जब उन्होंने कब्जा किया बर्मा पे और मणिपुर पे भी, तब मणिपुर से एक पूरी वादी निकाल के, क्योंकि उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा करना था, उन्होंने बर्मा में मिला दी। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो मणिपुरियों ने मैतेई राजाओं ने कहा कि, और उस समय मैतेई राजाओं ने एक्सेशन साइन नहीं किया था क्योंकि वह एक रियासत थी, जिस तरह त्रिपुरा के राजा थे मणिपुर के राजा थे, तो उनका कहना था कि आप कबाओ वैली मिलाइए तो हम भारत में आते हैं। तो नेहरू जी का कहना था कि हम अपने बर्मीज भाइयों के संग ऐसा क्यों करें। अच्छा, दूसरे देश के लोग उसके पक्का भाई होते थे। हाँ, खाली अपने देश के लोग भाई नहीं रहते। हाँ, थे तो यहाँ चीनी भाइयों के साथ क्यों करें। जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो मणिपुर के साथ उन्होंने ये किया, कबाओ वैली नहीं ली। अब त्रिपुरा की जो घटना है, त्रिपुरा आज जितना है इससे कम से कम 2 गुना बड़ा था। त्रिपुरा के उत्तर में चकला रोशनाबाद था और त्रिपुरा के नीचे में रंगमाती और ऐसे 2-3 जो नगर थे जो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स के, वह त्रिपुरा राजाओं का था। वह भी जब ये अंग्रेज आए तो वो रीऑर्गेनाइजेशन में वह ईस्ट बंगाल में एक क्षेत्र मिला दिए गए। तो त्रिपुरा राजा का भी यह कहना था, इसलिए 2 साल तक उन्होंने भी एक्सेशन साइन नहीं किया। और बड़े दुर्भाग्य की बात थी उनके लिए भी कि स्वतंत्रता से ठीक 2 वर्ष पहले उनके राजा का निमोनिया में निधन हो गया। 38 वर्ष के ही थे, 38-39 वर्ष के थे, तो वो बहुत डायनेमिक थे और त्रिपुरा को बहुत आगे बढ़ा रहे थे। हिंदुत्व आप नहीं कह सकते लेकिन जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ने में बड़े आतुर थे। तो वो जो स्वतंत्रता संग्राम था, सेनानी थे, उनसे वे बारंबार मिलते रहते थे, बहुत अच्छे राजा थे। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2-2.5 महीने पहले उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी पन्ना राजघराने की। अच्छा, तो उनको मध्यप्रदेश वाले, मध्यप्रदेश में जो पन्ना है वहां की थी। तो जब ये भारत पाकिस्तान हुआ, जब विभाजन हुआ, तो उनको डर था कि पाकिस्तान की सेनाएं चढ़ के कब्जा न कर लें, तो बेचारी वो तो पन्ना चली गई थी। वहां से ही उन्होंने एक्सेशन साइन किया है, फिर वहां जाके भारत में आए। तो उनका भी कहना यह था कि जो चकला रोशनाबाद है जो त्रिपुरा के ऊपर अभी उत्तर में है वह आए। फिर एक और बड़ी दुर्घटना है, चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स जो है, बांग्लादेश की पूंछ जो आज आपको दिखती है, वह पूरा जिला 97% बौद्ध और हिंदू था, केवल 3% वहां मुसलमान थे। 3% मुसलमान होने पर वह पाकिस्तान को दिया गया, जिसमें बारंबार उनके जो चकमा राजा थे वे बारंबार आए, सरदार पटेल के पास आए और सरदार पटेल ने उनको पूरा आश्वासन दिया कि मैं
आने नहीं दूंगा किसी और शक्ति को। तो उन्होंने नेहरू से कहा कि जब, क्योंकि जब रेड क्लिफ जो लाइन खींच रहे थे, बॉर्डर खींच रहे थे, और माउंट बैटन थे, माउंट बैटन से हम जानते हैं उनसे और उनके घराने से हमारे चाचा जी के क्या रिश्ते थे, तो इनकी बहुत क्लोजनेस थी। तो उन्होंने नेहरू से कहा कि जो चिट्टागोंग हिल ट्रैक से उनकी पूरी इच्छा है और जितने भी नियम है विभाजन के, आप अगर 97% वह स्थान हिंदू और बौद्ध है तो आप उसको एक इस्लामिक देश में जो पाकिस्तान में नहीं भेज सकते, आपको उसको भारत में ही करना पड़ेगा, सारे नियमों के अनुसार वह भारत में ही आना था। परंतु क्यों, माउंट बैटन का कुछ जिन्ना के साथ कुछ अरेंजमेंट हो गया था, तो उसके कारण उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने नेहरू को कन्विंस किया कि जो उन्होंने एक लिस्ट भेजी कि ये हम करने वाले हैं और उस पर आप कुछ अपने सुझाव दीजिए, उस सुझाव में उन्होंने बड़ी चतुराई से चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स को, चाचा जी ने एक भी बार उसका उल्लेख नहीं किया नेहरू। तो मुझे एक बात बताइए, तो ये बड़े लोग बैठ के लोगों के जिंदगियों का फैसला अपने पर्सनल फायदे नुकसान के लिए कर रहे थे? जी जी बिल्कुल था उसमें। देखिए उसमें जो अंग्रेज थे, स्थिति भी ऐसी थी कि उस समय वो हमारे उपनिवेशवादी जो थे, शक्ति थी हमारे ऊपर राज कर रही थी, वे छोड़ के जा रहे थे उस समय, यही बड़ी बात थी। अब हमारी ओर से एक पटेल थे, सरदार पटेल थे, जो देश के बारे में बड़े निस्वार्थ भाव से सोच रहे थे, और अगर वो नहीं होते तो इतना भी नहीं था। उनके पास था कि एक भारत हमें बनाना है, तो वे पूरा कार्य कर रहे थे। परंतु उसमें बीच में नेहरू जी भी थे जो बड़े दुर्भाग्यवश नंबर वन पोजीशन पे थे। तीसरे, आपको उत्तर पूर्व राज्य की कहानी सुनाता हूँ, नागालैंड की। नागालैंड पहला ऐसा राज्य था जिसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट की, उन्होंने बाकी सब टेररिस्ट को ट्रेन किया, वो एपिसेंटर बोलते हैं अगर वहाँ के आतंकवाद का, उत्तर पूर्व में। आज तक सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, आज तक नहीं हुआ है। इस पिछले 10 साल में थोड़े वो मेलो डाउन हुए हैं इस पिछली सत्ता के बाद में। हाँ, लेकिन वो सॉल्व अभी नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो सॉल्व हुआ है। तो उसके जो वो, उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, फीजो, और आप दूसरी दृष्टि से देखें तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर भी थे। लेकिन जब उनका भारत की स्वतंत्रता से पहले का इतिहास देखें तो आप देखेंगे कि वे सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े भक्त थे, और जब जापानी भारत में आते हैं, कोहिमा और इम्फाल का युद्ध होता है, जापानी आर्मी आती है जिसमें INA भी आती है, तो वे ब्रिटिश के साथ नहीं लड़ रहे थे, वे जापानी आर्मी के संग बोस की आर्मी के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें नेहरू से घृणा थी और बोस को वो बहुत मानते थे। पर दुर्भाग्यवश हम जानते हैं कि बोस नहीं रहे और वह चले गए भारत से, और नेहरू जो है वो प्रधान, सबसे बड़े लीडर बन गए। उसके बाद फीजो की जो घृणा है नेहरू के प्रति और बढ़ती गई, और उन्होंने फिर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मैं ये नहीं कह रहा अगर बोस होते तो कोई समस्या नहीं होती, ये नहीं बोल रहा है, समस्या तब भी होती, परंतु जो समस्या बाद में आई वो नहीं होती। उसका आप एक और उदाहरण नागालैंड के साथ देखें, यह समस्या तो हुई, नेहरू से घृणा भी करते थे, फिर भी फीजो और बाकी नागा लीडर से घूंट पीकर जब नेहरू आने वाले थे नागालैंड में, उन्होंने सोचा हम एक मेमोरेंडम देते हैं कि हमारी ये मांगे हैं और ये आपसे हम बात करना चाहते हैं। नेहरू उस समय किसी कुछ सांस्कृतिक कुछ खेल वेल देखने आए थे, उन्होंने उनके लीडर्स, वो 16 जो 17 जनजातियां हैं, उनको मिलने से ही मना कर दिया क्योंकि वो खेल देख रहे थे। तो वो इतने आहत हुए, क्योंकि उस समय तो वो पूरी ड्रेस नागा ड्रेस ही पहनते थे, तो बहुत प्रसिद्ध किस्सा है, पूरे स्टेडियम में वो सब बैठे थे और वह पीछे खुला रहता है और पीछे एक बैम्बू के उसमें वो ड्रेस पहनते हैं, तो उन्होंने सब ने पीछे हुए अपना पीछा जो हिस्सा है वो उघाड़ के और ताली बजा के नेहरू को दिखा के सब पूरे कुछ हजार लोग और वॉकआउट करके गए। तो वो बहुत प्रसिद्ध किस्सा है कि नेहरू को ऐसा पृष्ठ भाग दिखा के, और वो इतने नाराज हुए तो नेहरू तो फिर और चिढ़ गए, और नेहरू ने ये शपथ ली कि मैं कभी नागालैंड में वापस नहीं आऊंगा और कभी वापस नहीं आया। एक और राज की घटना बताता हूं, मतलब व्यक्तिगत हो जाता है हर बात में। हाँ जी, बहुत ही छोटी पर्सनैलिटी थी। हाँ, बिहार में भी एक बंदे को सब अपनी सभा में से, उस बंदे ने उनको चैलेंज कर दिया सामने से कि तूने ये किया वो किया, उसको पीटने के लिए उसके पीछे गंगा नदी में कूद गया है बंदा। जी, तो प्रकाश श्रीवास्तव किताब में लिखा हुआ किसी चिट्ठी में। जी, तो वे इस स्तर तक जाते थे। मिजोरम की मैं बात बताता हूँ। मिजोरम एक ही राज्य था भारत का जो स्वतंत्रता तक लगभग 80% से ऊपर ईसाई हो चुका था। अच्छा। नागालैंड भी नहीं था, नागालैंड 45-46% ही था। तो उस समय हमारे पास यह समय था कि जो ईसाई नहीं हुए हैं उनको समर्थन करके, उनको बहुत बड़े पद देकर आप वहां ईसाईकरण रोक सकते थे, परंतु नेहरू जी के लिए तो सब भाई भाई थे और हिंदू और ईसाईयत एक थी, तो उन्होंने ये प्रयास ही नहीं किया। परंतु मिजोरम पूरा 80% से ऊपर ईसाई हो चुका था। उस समय राज्य नहीं था, असम का भाग था, परंतु वह जो क्षेत्र था ईसाई हो चुका था। अब मिजोरम में एक बड़ी प्राकृतिक घटना होती है कि हर 50 वर्ष में वहाँ एक फमीन आता है, एक सूखा पड़ता है। वो कैसे पड़ता है कि हर 50 वर्ष में बैम्बू की फ्लारिंग होती है, जो बांस है, बांस में एक अमुक रूप का एक जो फूल है वह खिलता है, और वह इतना खिलता है और उस फूल को चूहे खाते हैं। उसके कारण चूहे की जो जनसंख्या है वो 50-60-100 गुना बढ़ जाती है, और जब चूहे इतने बढ़ जाते हैं तो वो सारी फसल, जितने भी फल
सब्जी शाक और जो भी अनाज है वे सब कुछ खा जाते हैं, तो वहां हर 50 वर्ष में बहुत बड़ा सूखा, पार्ट ऑफ द नेचर ओनली है वो है, वो उनके यहाँ सदैव ऐसा होता रहा। अब वे जो जातियां थी, समुदाय थे, जब ऐसा होता था उनके स्मृति थी उनकी संस्कृति में, तो वे छोड़ के चले जाते थे कहीं और 8-10 महीने फोरेजिंग करने के बाद वे पुनः वापस आ जाते थे। तब जहाँ के वो चूहे अपने आप मर जाते थे, स्वयं वो जो फमीन आता था उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता था। अब क्या हुआ, आपने घेर लिया और आपने बाउंड्री सीमा ये निर्धारित कर दी कि ना तो वे बर्मा में जा सकते हैं ना ईस्ट पाकिस्तान में जा सकते हैं, और आपको पता भी नहीं है कि ऐसा होता है। इसको मौतम बोलते हैं, इस फमीन को वहाँ मौतम बोलते हैं। और 1959 में ऐसा ही एक फमीन आया, उसकी साइकिल थी, वो आया। इनको पता ही नहीं था कि मिजोरम के अंदर क्या हो रहा है, जाने नहीं दिया आपने क्योंकि सीमा बन गई है, और आपने उनकी सहायता भी समय पर नहीं की। मिजोरम की 10% जनता भूख से मर गई। उस समय उनकी जनसंख्या कम थी, पर 10% आप सोचिए कि कितना बड़ा घाव है। वो जो भी हो, 1,00,000 में 10,000 होता है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर उस समय 3-3.5 लाख हुई है तो आप 35-40 हजार लोगों का उसमें से मर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। 10% जनता जब भूख से मर गई, उसके 3 वर्ष बाद उन्होंने MNF जो मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्रता घोषित कर दी भारत से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वे विरोध नहीं करते, परंतु उसका जो प्रमुख ट्रिगर था वह हमारी अज्ञानता थी, और हमारे राज्य की अज्ञानता थी, हमारे नेता की अज्ञानता थी। और उसके बाद उन्होंने करी, एक बार जब वो घोषणा करेंगे स्वतंत्रता की तो आपको एयरफोर्स भेज के, ऐसा कहा जाता है भारतीय इतिहास में, एक ही राज्य पर, अपने राज्य पर एयरफोर्स ने बम्बार्डिंग की है दो बार, एक बार बाप ने, एक बार बेटी ने भी किया। हाँ, तो वो उसके बाद वो नहीं, ये उन्होंने उस समय नहीं किया क्योंकि ये जो रिवोल्ट हुआ वो इंदिरा गांधी के समय, तो वो जो चर्चा होती है वो वही होता है, बेटी ने करा। तो वह भेजे गए, एयरफोर्स ने बम्बार्डिंग की और वो किया, वो उस समय वो आवश्यक हो गया था। तो उस समय आप ये नहीं कह सकते थे हाँ तुम स्वतंत्र देश हो जाओ, परंतु उसमें जो गलती है वो आपकी बहुत बड़ी गलती उसके अंदर थी। एंड दे नेवर इवन अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज क्या, वो बताते ही नहीं है। जब अरुणाचल प्रदेश पर चीन चढ़ बैठा तो सब जानते हैं कि मेरा असम के लिए माय हार्ट क्राइज। अरे आप चपरासी हैं या आप प्रधानमंत्री? मुझे एक बात बताइए, मैं हूँ, आप हो, हम दोनों हैं, ये बच्चे हैं, हम PM होते ना, हम पहुंच जाते असम, दिल्ली से नहीं बोलते ये बात जी, हम असम बोल के वहां खड़े होकर जनता के बीच बोलते हैं कि अब लड़ते हैं चलो। तो एक नेता का कर्तव्य क्या है, या तो आप प्रधानमंत्री ना बने, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री हैं या चपरासी है? अरे ये तो वही बंदा जो नाभा वाली जेल से भाग गया, उसके लौटा नहीं कभी, कि भाई हो गया 2 दिन में हालत खराब हो गई। तो पाप ये देखिए, जो मैं उत्तर पूर्व के बता रहा हूँ, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी नेहरू के 100 पाप, ये एक भी घटना उस पाप में नहीं है, इतने पाप है, अभी मैं डिस्कवर करता ही जा रहा हूँ। जब चीन चढ़ता है, जब ये तिब्बत में आता है, तो नेपाल के राजा आते हैं एक्सेशन के लिए, और हमारे कहते हैं हम अपने चीनी भाइयों के संग ऐसा क्यों करेंगे, आज नेपाल भारत का राज्य होता। नेहरू ने मना कर दिया अब नेपाल के राजा को कि नहीं, हम ऐसा, हम तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट में काम करते हैं। ये भी बोला था कि तुम हमेशा से आजाद रहो, आजादी रहो, तुम्हारे लिए वो ठीक है। तो इस तरह की जब बातें करेंगे तो आपका पूरा, आप हिमालयन रिम, और भी बहुत पाप है, मैं समझता हूँ एक आध और मैं चर्चा कर ही लेता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति थी, तो नेहरू के बहुत प्रिय मित्र थे वैरियर एल्विन, एक ईसाई मिशनरी थे, तो वो उनसे बड़े आच्छादित रहते थे, उनके साथ में सदैव रहते थे। तो उत्तर पूर्व की सारी जो स्कीम है, वैरियर एल्विन मिशनरी की बनाई हुई स्कीम है जो नेहरू जी ने इंप्लीमेंट की, तो उसने देखिए उल्टी पट्टी पढ़ाई। आप अगर आप आज फिलोसफी फॉर नेफा वैरियर एल्विन की एक पुस्तक है उसको पढ़ेंगे तो बड़ा उल्टा पढ़ने को मिलेगा। वो ये कहते हैं कि ये जो यहाँ की जो जनजातियाँ हैं ये बड़ी प्रिस्टीन है, बड़े अपने प्रिमिटिव जनजातियाँ हैं, इनके बड़े अलग रीति रिवाज हैं, इनको छीनना नहीं चाहिए, तो हम मिशनरी को भी यहाँ ना घुसना दें, पर यहाँ अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो भी इनका संस्कृति पूरी समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ हम कुछ भी ना करें, इनको अपने हाल पर छोड़ दें, लेट देम ग्रो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आपने उस पूरे बड़े राज्य को घेरा, फेंसिंग की और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि आज से 18-20 साल पहले तक, 2000 तक, अगर सुबनसिरी या सियांग डिस्ट्रिक्ट में, जिले में किसी एक जिसको प्रसव हो रहा है, जिस माँ को, और वो मरने वाली है और उसका बच्चा मरने वाला है, तो गुवाहाटी तक पहुँचने में उसे 6-8 दिन लगते थे, क्योंकि अरुणाचल में कोई अस्पताल नहीं थे। आपने ना वहाँ अस्पताल बनाए, ना वहाँ रोड बनाई, ना वहाँ स्कूल बनाए, और उन्हें अपने हाल पर घेर कर मरने के लिए छोड़ दिया। तो आप बताइए कि उस राज्य के लोगों में अगर ये भाव आएगा, फिर हम भारतीय नहीं है, तो इसमें मैं उनको दोष नहीं दूंगा, मैं दोष पहले उस राज्य को दूंगा जिस राज्य ने उनके साथ ऐसा किया। ये पहली बार 2014 के बारे में हुआ है, उसके पहले थोड़ी बहुत कि रोड बन रहे हैं वहां पर, संसाधन आ रहे हैं, बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत सारी उत्तर पूर्व में बहुत सारी घटनाएं, प्रधानमंत्री जी भी शायद इतनी बार गए जितनी बार पिछले 70 सालों में प्रधानमंत्री नहीं गए, इतनी बार गए जी, क्योंकि वहां आवश्यक है, वह इतना सेंसिटिव क्षेत्र है। जो बोगीबिल का ब्रिज बनाया, जिससे कि ब्रह्मपुत्र 2-3 जगह और पार्टी गई, जिससे कि अरुणाचल का नागालैंड से, असम का जो 2 पार्ट है, इनसे दूसरा संबंध बना। तो आपने यह जो घटना मैं बता रहा हूँ, आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, तो पहले तो उनमें अराजकता फैली, फिर चर्च तो आप जानते हैं कि आप वो तो इतने उनमें लगन है, भले ही असुरिक लगन आप कह सकते हैं, लेकिन लगन है, वे तो हर स्थान पर पहुंच जाते हैं।
आपने पेपर पे बैन कर दिया अरुणाचल के अंदर मिशनरियों को प्रवेश निषेध है, तो पेपर पे आपको लगेगा कितनी अच्छा इन्होंने सिद्धांत का पालन किया, पर असलियत में क्या हुआ, ग्राउंड पर क्या हुआ? असम और अरुणाचल का बॉर्डर है 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उन्होंने क्या किया, 2000 नहीं जितने भी किलोमीटर हैं, सीमा पर, अरुणाचल की सीमा पर असम के अंदर 2000 मिशन खोले, हर मिशन के पास एक स्कूल और एक अस्पताल खोला, अरुणाचलियों को असम में बुलाया, वहां उनको दवाई दी, पढ़ाया, रोमन स्क्रिप्ट सिखाई, अंग्रेजी सिखाई और धर्मांतरित करके ईसाई बना के वापस अरुणाचल में भेजा, और असम के अंदर रह के उन्होंने पूरा अरुणाचल का धर्मांतरण कर लिया, और ये हमारे नाक के नीचे हमारे आपके देखते हुए ये सब हो गया। अरुणाचल 1971 में 0% ईसाई था, आज वह एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेम्स वांगलाद की पुस्तक में वो ये दावा करते हैं कि 53% वह ईसाई हो चुका है, विकिपीडिया पे देखें तो 37% है, और यह 2011 का आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि अब मैं मानता हूं कि 50% वो हो गए होंगे, क्योंकि अगर 2011 में 37 है, वो हर दशक में 15-20% इस प्रकार से बढ़ रहे थे, तो यह एक और पाप जो हमें सामने दिखता है। असम के साथ जो किया वो तो हम जानते ही, जिनको मुगल नहीं हरा पाए इस राज्य की व्यवस्था ने हरा दिया कि उनके पूरे राज्य का सत्यानाश सर्वनाश कर दिया। अगर आप लोअर असम देखें तो आज एक राज्य का धुबरी में से जो अलग हुआ है, मैं उसका बागमारा के पास है, मन कचार या ऐसा कुछ धुबरी में से एक जिला निकला है, वह 96% इस्लामिक है, 96% औरंगजेब नहीं कर पाया उसको इस्लामिक, हाँ लड़के भी नहीं कर पाया। आप हिंदू जिले ऐसे ढूंढने में आपको कठिनाई होगी भारत में, 96% हिंदू बहुल जिले आपको ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी, और 96% में 2011 की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब वहाँ कोई नॉन मुस्लिम सिविलियन बचा होगा, आर्मी के लोग होंगे, पुलिस के कुछ फोर्स होंगे, परंतु वहाँ कोई नहीं। तो भारत असम के अंदर यह जिला है, बारपेटा, धुबरी, बोंगाईगांव, कोकराझार, इनमें से कई जो हैं हो जाई, ये पूरे मुस्लिम बहुल है। मैं अपर असम गया, अपर असम अभी भी कंपैरेटिवली इस तुलना में बचा हुआ है, वहाँ जो मेरे ड्राइवर था उसने बताया कि कैसे हम तो असम के ही अंदर, अगर आप थोड़े से 2-3 शिव सागर में थे अपर असम में, अगर आप होजई तक आ जाएं, नौगांव तक आ जाएं, तो बोले मेरे भाई को समोसे में बीफ खिला दिया। अब एक हिंदू तो कल्पना नहीं कर सकता कि समोसे के अंदर बीफ भर के बेचेंगे, और बोले वो उसने ज़बरदस्ती खिलाया, तो मैंने कहा ऐसा कैसे कह सकते हो, बोले ऐसा कैसे, वो एक हिंदू मांग रहा है, आपको तिलक दिख रहा है और आप उसको वो समोसा दे रहे हो, खा के जब उसको लगा तो उसने जब थूका उसको, ओ हाँ ये बीफ था इसमें। तो इस प्रकार से ये घटना असम के साथ हो रही है, और आपकी जो व्यवस्थाएं, पहले तो उनके चीफ मिनिस्टर्स ने, कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर्स ने जब यह बात बतानी आरंभ की तो भी उनको चुप किया गया, जिस प्रकार से जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, रेड्डी के ही एक मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ धर्मांतरण बड़ी तेजी से चल रहा है, तो जगन रेड्डी ने उसको ही, उसकी जान को संकट आ गया। अभी देखो ना आप, हिमाचल में भी हुआ भाई, हिमाचल में पहले मुख्यमंत्री ने बोला इस्लाम के खिलाफ, फिर वहां से स्टेटमेंट आ गया केंद्र की सेंट्रल कमांड से कि चुप हो गया जी। फिर भी मैं सराहना करूंगा, उसने कांग्रेस का मुख्यमंत्री होते भी सच बोलने का प्रयास किया, मैं बिल्कुल सराहना करूंगा। तो यह किया, दूसरा असम पूरा का पूरा उत्तर पूर्व, अभी तो मैंने एक एक घटना बताई, यह भारत का हिस्सा होता ही नहीं, क्योंकि इसका एक ही व्यक्ति, और यहां पर गांधी ने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया, जब जो गोपीनाथ बरदोलई हैं, जो उनके पहले मुख्यमंत्री भी रहे और उसके उनके बड़े कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे लिए जो हमारे नेता हैं सरदार पटेल हैं, असम के लिए गोपीनाथ बरदोलई हैं, तो उन्होंने, क्योंकि बंगाल का जो बंटवारा हुआ, ईस्ट बंगाल हुआ, तो मुस्लिम लीग कह रही थी कि जो उत्तर पूर्व है वो तो ईस्ट बंगाल में ही होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी है, तो आपको उसके साथ ही इंक्लूड करना चाहिए, और नेहरू वॉज रिजाइन टू इट, नेहरू वॉज ओके विथ दिस आइडिया। वो गोपीनाथ बरदोलई ने, और इन्होंने सुना नहीं, नेहरू आए भी, विजिट भी नहीं किए, जब गांधी को बुलाया तो गांधी ने वहां जाके धरना दिया गोपीनाथ बरदोलई के संग, और बोस ने धरना दिया, तो उनके कारण जो है उत्तर पूरा, उत्तर पूर्व ये 7 राज्य हमारे पास हैं, वरना पूरे के पूरे, उनका ये आर्गुमेंट था भारत से तो ये चिकन नेक क्रिएट करना पड़ रहा है, चिकन नेक क्रिएट करने के लिए इनको 2-3 काम, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर जो उस समय मुस्लिम बहुल थे वो भारत में दिए बंगाल में, जिससे कि आप बंगाल से ही एक पूरा का पूरा सीधे कॉरिडोर बनाए, जो ऊपर आपको कूचबिहार और कूचबिहार से फिर आप असम में चले जाए, तो पूरा का पूरा उत्तर पूर्व भी हमारे पास नहीं होता अगर इस समय ये 2 नेता ना अगर वहाँ के गोपीनाथ बरदोलई और गांधी ने उनका समर्थन ना किया होता, लेकिन नेहरू जी उसमें रिजाइन थे। तो ये इतिहास में, अब इनको हम अपना कहें, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे नेता थे, ये हमारे विरोधियों के ही हित में काम कर रहे थे, भले ही हमारे नेता के रूप में थे। तो मुझे एक बात बताइए कि बार बार जैसे नहीं होता कि महर्षि चाणक्य ने लिखा है ना, कोई आपको एक बार काट दे तो उसकी गलती है, कोई व्यक्ति आपको बार बार काटे तो आपकी गलती है, आपको लगता है हिंदू समाज डिजर्व्स दिस, क्योंकि एक ही परिवार आपका बार बार काट रहा है, आप कटवा रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप यू हैव अर्नड इट। देखिए ये हम जब इन सब बातों की चर्चा कर रहे हैं तो हमें सच का पता है, परंतु आप अगर आज भारत के क्षेत्रों में जाइए
जो समाज जिस प्रकार की मिसइंफॉर्मेशन उनके पास है, आज के आप देखिए कि अमित शाह का जो फेक वीडियो चलाया, डीप फेक जो वीडियो चलाया था जिसमें कह रहे थे कि हम आएंगे तो ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, और उन्होंने एक दिन के अंदर अपना क्लैरिफिकेशन इशू भी कर दिया, उसके बाद भी उसने जितनी हानि पहुंचाई इस चुनाव के अंदर उस डीप फेक वीडियो ने, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उनके पास यह सूचनाएं है ही नहीं। अब ये देखिए, जो मैंने आपको उत्तर पूर्व की बातें बताई, क्या यह सामान्यतः लोगों को पता है नेहरू के ये जो पाप हैं? तो जब मुझे अभी पिछले 3-4 वर्षों में ये सार मैंने बताया, 100 नेहरू के 100 पाप में ये एक भी नहीं था, तो इतने पाप हैं कि ये एक भी नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं। और आज हमारे जो मोहन भागवत जी ने 2014 में जो बात की थी कि 2014 में अब हम स्वतंत्र हुए हैं, अभी तक हम स्वतंत्र, जिसमें वो वाजपेयी की सरकार को भी पराधीन मान के उन्होंने, आई पर्सनली एग्री विद, तो वो कर दिया था। तो 2014 में स्वतंत्र हुए, अभी हमें 10 वर्ष ही हुए स्वतंत्रता के। अब पहली बार जैसे ये बात हो रही है, आज से आप 15 वर्ष पहले ये बात नहीं तो सही, आप अकेले मोहन भागवत थोड़े बोल रहे थे, के नटवर सिंह कांग्रेस के विदेश मंत्री वो बोल रहे थे आज पहली बार स्वतंत्र 2014 में स्वतंत्र हुए हम, तो ऐसा नहीं, सत्ता विपक्ष भी यही बोल रहा, विपक्ष भी ये बोल रहा था। तो अभी 10 वर्ष ही हुए हैं, ये सूचना अभी पहुंचना आरंभ भी हुई है, हमारे जो विचारक हैं उन्होंने इस पर सोचना और यह शोध करना कि ये एक एक जन सामान्य तक कैसे पहुंचाई जाए, कि जिससे हम पहली बार बड़ा सुंदर नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, अभी बड़ा सुंदर है, हर किसी को समझ में आ जाएगा और इससे जो हिंदू एकता है वह उसकी ओर हम अग्रसर होंगे। तो अब जाके समझ में आया 2024 में जब ये डैमेज हुआ, इतने काम करने के बाद, राम मंदिर बनाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा बनाने के बाद, जब हमारे विरोधियों ने इतना हस्तक्षेप किया चुनाव में, तब समझ में आया कि नहीं, अब हमको वॉर फुटिंग पे जो है हिंदू समाज को एक करना होगा, वरना आप नहीं बच सकते। मैं अभी एक कल ही एक गोष्ठी में था, तो उसमें IIT दिल्ली के अंदर कितने तेजी से धर्मांतरण क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है, और जो हिंदू प्रोफेसर उसके लिए सजग होके उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उनके विरोध के मैं कंप्लेंट होती हैं और फैकल्टीज उसमें इन्वॉल्व है। दिल्ली, IIT दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये धर्मांतरण बच्चों का जी, और जो लव जिहाद केवल इस्लाम नहीं करता, हो तो ईसाइयत भी करती है, कि उसमें कोई लड़का मिल गया, कोई लड़की मिल गई, उसने कहा तुम्हें पीस मिलेगी एक बार चर्च आओ, और उसके बाद फिर वो जो सिलसिला चलता है। चर्च बहुत ट्रेंडिंग है, बिकॉज मैं, मुझे याद है मैं भी जो बड़ा हो रहा था तो एक लड़का आया, कहता है कि यार चर्च चलते हैं। वो बात और है कि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव है, क्योंकि मेरे माता पिता को रामचरित मानस वगैरह रटा हुआ रहता है, तो ऑब्वियसली मैं कभी नहीं गया। चलिए एक बार उस पर चलते हैं कि मैं एक और पॉसिबिलिटी में सोच रहा था, पता नहीं ये इधर कहाँ चली गई, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ चालू हो गई, बट बहुत इंटरेस्टिंग है तो इसलिए पूछता हूँ आपसे। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि अगर सुभाष चंद्र बोस जैसा आदमी होता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तिब्बत भी कब्जा हो जाता, म्यांमार भी हो जाता और श्रीलंका भी हो जाता। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति सैनिक विचारधारा का होता है ना, जो व्यक्ति उस, हाँ वो अलग दृष्टि देखता भी और कब्जा भी करता है वो, क्योंकि उसको पता है मैं सेना भेज दूंगा हमारा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं जो आदमी जिंदगी भर किताबें लिखने की कोशिश करते हुए घटिया किताबें लिख रहा है आप समझ रहे हो ना, मतलब इतनी ट्राई एफर्ट के बाद भी घटिया 2% का घटिया नॉलेज लिख रहा है वो। मतलब इस बंदे ने किताब लिखी थी भारत की खोज, इतना सिलेक्टिव है ये बंदा कि उसमें लिखता है कि मोहम्मद फ्रॉम गजना जो था वो, हाँ कि वो बहुत ही भारत को पसंद करता था, आर्किटेक्चर को, एक एक लाइन ऐसे छुपाता है ये बंदा कि दो लाइनें बता दी, एक लाइन छुपा दी, दो लाइनें बता, इतना बड़ा, इतना बड़ा, बड़ा प्रसिद्ध केस है कि मथुरा का ही है जी, जी। तो जो आक्रमणकारी, इस्लामी आक्रमणकारी आ रहा है, और वो ऐसा लगता है कितना, यह केवल भूल नहीं है, यह जबरदस्ती की गई पाप है, ये पाप है, ये कैसे, वो क्या कर रहा है, वो एक हिस्टोरियन को कोट कर रहा है, इस्लाम की हिस्टोरियन, और उसमें वह जो इस्लामी आक्रमणकारी है वो मथुरा में एक टीले पे खड़े होकर कहता है वाह कितने सुंदर, ये क्या कला है, नमूना है, एडमायर करता है वो पहले कि ये हिंदुओं की कला है, ये एडमायर करता है, और उसके बाद लास्ट में कहता है जाके इन सबको नष्ट कर दो। तो वो जो नष्ट कर दो वाली लाइन हटा के एडमिरेशन की लाइन वह लिखता है, तो हमको ऐसा लगता है कि इस्लामी जो यहाँ आए थे राजा, वे तो कला का संवर्धन करते थे, यह दुष्टता से कम कुछ नहीं है। तो यह बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ, और उन्होंने डिस्कवर, मैंने कई बार पढ़ने का, जब अब तो बाद में आलोचना की दृष्टि से पढ़ा, हाँ। मतलब मैंने एक बार पढ़ी, मुझे लगा कि हट साला क्या, मैंने बचपन में सीखने के लिए 3-4 बार प्रयास किया, नहीं पढ़ पाया, और मैं ऐसा नहीं हूँ जो, देखिए मैं वॉर एंड पीस 2000 पेज की एक बार बैठ के बिना कोई और पुस्तक के मैं पढ़ गया था, मैं क्राइम एंड पनिशमेंट 3-4 दिन में पढ़ गया था 800 पेज की, पर चाचा जी की जो उनकी ना, जो रशियन राइटर, हाँ लियो टॉल्स्टॉय और फिर दोस्तोयेवस्की की, ये मैं एक बार में पढ़ गया था, परंतु मैं चाचा जी की कई बार प्रयास करने सीखने के बाद में पढ़ नहीं पाया और बीच में ही छूट गई। फिर तो पढ़ा जब बाद में, जब हमें जानना था कि इनके पाप जब जानने थे तब जाके पढ़ी हैं वो दोनों पुस्तकें, वरना उसके पहले मैं नहीं पढ़ पाया। तो मेरा अच्छा इस पे चलिए वापस चलते हैं, हम जो मुख्य आपका हो उस पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये क्या है कि ये मतलब इनके बारे में जितना चर्चा करेंगे, क्योंकि जहां जाएंगे मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया अगर होता 1947 में
सोशल मीडिया होता तो ये आदमी मतलब मुझे ऐसा मुझे लगता है जैसे छुटभैया नेता नहीं होते जो जिंदाबाद नारे लगा घूमते रहते हैं, वैसा कहीं नारा लगा घूम रहा होता, कोई उसको पूछता नहीं, और वो नहीं होता ऐसे मतलब कि भैया जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उसी में रह जाता है ये। जी मैं आपको एक एक किसी की एक टिप्पणी बताता हूँ राजीव गांधी और राहुल गांधी के बारे में। कि किसी ने जब एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि राजीव गांधी इतने मूर्ख नहीं थे जितने कि राहुल गांधी हैं, तो बोले तुम्हें क्या पता, उस समय एसएम सोशल मीडिया नहीं था, ये इनसे भी बड़े मूर्ख थे, बस उनकी मूर्खता जनता के सामने आती नहीं थी। तो उन्होंने घटना सुनाई कि एक बार वह दौरा कर रहे थे इंजीनियर्स के साथ, ये सिविल इंजीनियर्स के साथ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ, तो वादियों इसमें घूम रहे थे बड़े प्राकृतिक, मध्य प्रदेश की बात है, तो उसमें आपको एक छोटा सा एक नदी नाला स्ट्रीम बह रहा है, तो वो जो भी जरा सा पानी बहता वो देखें, तो बोले यहाँ डैम क्यों नहीं बना देते, तो यहाँ डैम क्यों नहीं बना देते। अब वो जो बेचारे वो जो सुनने वाले हैं कहेंगे अरे मूर्ख, यहाँ डैम क्यों खाली मैदान में थोड़ी बनता है, पहाड़ी तो हो, कोई दर्रा तो हो, पीछे घाटी तो हो, पानी कहाँ रुकेगा डैम। अब उन्हें कुछ पता ही नहीं है जिस तरह से जलेबी की फैक्ट्री बनती है, आलू की फैक्ट्री बनती है। तो राजीव गांधी भी ऐसे ही हरकतें करते थे, और एक दूसरा नेहरू जी भी करते होंगे। एक दूसरा भी तो था उनका छोटा भाई जो मारुति के नाम पे सबको लूट लूट के उसने खूब माल बनाया। अब उनकी किताब पढ़ी थी मैंने, वो कौन थे वो बेचारे, विनोद मेहता जी की द संजय स्टोरी, उसमें उन्होंने मतलब ऐसी ऐसी सच्चाई बताई कि आपको मतलब सर पीट लोगे कि इस देश में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है इस देश में। तो मैं दोबारा कहूंगा वही बात कि जिस जिस कौम को एक परिवार के लोग इतनी बार काट दें और उसके बाद भी वो एक कौम बार बार उसी परिवार के पास जाए, तो वो डिजर्व करती है कौम। अब जाने में डिजर्व कर, आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो डीप फेक देख के चले गए, नहीं, वो आलस भी उन्हीं पे थोपी है। आप उस आलस को हम पे नहीं डाल सकते, आप उस आलस को भी उसी कौम पे थोपेंगे कि इतने आलसी क्यों हैं इस कौम वाले, कि ये कोशिश क्यों नहीं करते। डेमोक्रेसी इज पार्ट ऑफ बीइंग एक्टिव, इफ यू आर नॉट यू आर टू बी ब्लेम्ड। तो अगर ये कौम खत्म हो जाती है तो इस कौम को ही ब्लेम करेंगे हम, किसी और को नहीं। लेकिन मेरा उसमें जो मतांतर वो यह है कि डेमोक्रेसी क्या है, ये चर्चाएं देखिए ये उस स्तर तक है ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ रूस का, कि रूस में जब जार थे तो चर्चा हो रही थी, क्योंकि उसमें जार के ही जो आदेश था वह संविधान था, जो उन्होंने कह दिया वो सही था। तो जब पहली बार बात चली कि ये संविधान आना चाहिए, संविधान आना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे शब्द अंग्रेजी का, वो रूस था परंतु अंग्रेजी का शब्द आने लगा। तो एक बहुत बड़े विद्वान उसके बारे में लिखते हैं, उस समय जो जार थे कॉन्स्टेंटीन थे, तो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे, बट नॉट एवरी वन वॉज क्लियर वॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, सम इवन थॉट शी वॉज द वाइफ ऑफ द एम्परर कॉन्स्टेंटीन। तो देखिए जनता का जो स्तर होता है, और तो इसलिए मैं उनको संविधान क्या है, हमारे अधिकार क्या है, जनतंत्र क्या होता है, आज भी अगर आप थोड़ा सा ही यहाँ दिल्ली से, ये नोएडा है, थोड़ा सा ही आप बाहर चले जाएं तो आपको जो लगेगा इसकी कोई अंदाज ही नहीं। बाहर मत जाइए, मेरे ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं एक डिपार्टमेंट में, आप खड़े होकर दो सवाल पूछ लीजिए यंग लड़कों से। जी मैं आपको बाहर क्यों जा रहे हैं, मैं आपको अभी की एक घटना बताता हूँ, नागालैंड की घटना बताता हूँ, लोगों को पता भी नहीं कि इस देश में क्या चलता है। ये एक कैम्ब्रिज के प्रोफेसर, इसको पब्लिश्ड पीएचडी थीसिस में मैंने पढ़ा, तब जाके मुझे बहुत ही यह धक्का लगा कि भारत में ऐसा हो रहा है। हम सब समझते हैं कि वहाँ चुनाव होते हैं और चुनाव में वो अपनी पार्टी को चुनते हैं, नागालैंड में कोई चुनाव नहीं होते। जब चुनाव होता है तो एक गांव से एक व्यक्ति जाता है जो चुनाव बूथ पे कहता है इस गांव के 7,000 वोट इस कैंडिडेट को पड़ेंगे, और इस तरह से वहाँ चुनाव। अच्छा, जब मैं वो घूर रहा हूँ, पता चल रहा है ना, मैं वो घूर रहा हूँ उस टाइम पे कि क्या हो रहा है ये देखिए ऐसा होता है। तो जब मैंने अपने ड्राइवर से नागालैंड में पूछा कि तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जो आप एक आज नागा बड़े फेमस हैं, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आओ नागा है बड़े अच्छा, विनोद भी बहुत सुंदर करते हैं, तो इमजन ऐसा कुछ वो उनका नाम है। तो जब मैंने उनके नाम भी नहीं पता था पार्लियामेंट, बोले पार्लियामेंट सर आई डोंट नो। तो उसको चुनाव होता है, उसको पता ही नहीं था कि चुनाव होता है, जबकि अगर आप पेपर पे देखें तो नागालैंड के चुनाव 90% से ऊपर जाता है वोटिंग होती है, और उसको पता नहीं है कि कुछ चुनाव जैसी कुछ प्रक्रिया होती है, पार्लियामेंट कुछ होता है, असेंबली कुछ होता है। तो देश में अज्ञानता का स्तर बहुत है, ये मैं अनपढ़ और उससे नहीं कह रहा हूँ, शैक्षिक जो इस जो साक्षरता का स्तर से मैं बात नहीं कर रहा, परंतु जनतंत्र की जो हम बात कर रहे हैं इसमें सूचना ही नहीं। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है, जिस हिंदू समाज में मैंने जब ये चेतना फैलाने का प्रयास किया है, थोड़ा पहले रेजिस्टेंस आता है क्योंकि उनको लगता है ये सांप्रदायिक लड़ाने वाली बातें कर रहे हैं, परंतु जैसे उनका यह वॉल, जैसे ये दीवार टूट जाती है, उसके बाद वे कभी भी दूसरी ओर नहीं जाते और इतने कट्टर सिपाही बन जाते हैं कि अब हम दूसरों में ये फैलाएं। तो ये अभी तक चेतन थे ही नहीं, हमें बताने नहीं दिए गए। देखिए सोशल मीडिया के बाद आज आप और हम मिलकर यह बातचीत कर पा रहे हैं, आज से 15 वर्ष पहले तो इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैंने जब 22 वर्ष पहले यह सब कार्य शुरू आरंभ किया और मेरे गुरु ने मुझे रामस्वरूप जी की और सीताराम जी की जब पुस्तकें दी,
तो उस समय वे पूरी 40 पुस्तकें खरीद के फ्री में बांटते थे, लेने वाले नहीं थे। आज जब मैं रामस्वरूप जी पर कोर्स लेता हूँ उनके, उस पर 2500 हम फीस रखते हैं, तो 250 से 300 लोग 2500 फीस देकर उसको पढ़ते हैं। आज समाज 22 साल में इतना बदल गया। तो आशा रखिए, क्योंकि ये होगा, हम सनातन हैं, हम बचेंगे ही, निश्चित ही हम बचेंगे। हम बचेंगे नहीं, पूरे विश्व पर भी आप एक समय आएगा जब हम छाएंगे, परंतु हमें अपना कार्य करते रहना है और इसमें जो मूर्खता है इसको दूर करते रहना। राम स्वरूप जी, सीताराम गोयल जी को पढ़ो तो आपको लगता है ये लोग तो बाप हैं सबके, मतलब जो पॉलिटिकल जितने नेता वेता जितने भी हैं। अच्छा, मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स अलग लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज अलग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, ठीक है, अब क्या होता है, आप जैसे हो सकता है आप बड़ा एंगल रख रहे हो और आप क्या थोड़े बहुत पाप आप माफ़ कर दें भारतीय जनता पार्टी के, कि भाई मैं बड़े तो देख रहा हूँ तो चलो ये माफ़ी। मेरी प्रॉब्लम, मैं माफ़ नहीं कर पाता उन एंगल्स को। मुझे लगता है कि भाई अगर मैं इस समाज से वोट लेके आया हूँ और इस समाज को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये डिलीवर होगा तो डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो डेवलपमेंट, ये वही वाली बात है कि नौगांव खाली में बड़े बड़े मकान थे हिंदुओं के, ठीक है, कराची में थे, हाँ कराची में थे, बहुत बड़े हिंदू व्यापारी बहुत थे। तो डेवलपमेंट मींस नथिंग एज लॉन्ग एज यू डोंट फिक्स द बेसिक प्रॉब्लम, और बेसिक प्रॉब्लम फिक्स करने को तैयार नहीं है सरकार आज की, फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाट इट इज। देखिए, हम तो पार्टी के मेंबर है नहीं, हमने वोट दिया है पर हम पार्टी के मेंबर है नहीं, तो हम तो बाध्य नहीं है कि हम जी हुजूर कहें, हमें तो जो लगेगा कहेंगे। जब मिजोरम में, देखिए अभी एक वर्ष की पहले की घटना बोल रहा हूँ, जब ये दूसरी पार्टी आई चुन के, तो इससे पहले MNF थी जो एक समय टेररिस्ट पार्टी थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई और जीत भी गए। तो वो कोई बड़े प्रो इंडियन नहीं थे, वे भी एंटी इंडियन थे, पर उन्होंने यह स्थिति स्वीकार ली थी कि मिजोरम भारत का अभिन्न अंग है और जो भी करना है भारत के अंदर रहकर ही हम करेंगे। जब इस चुनाव में वो पार्टी जाती है, जो नई पार्टी आती है वो जोरम पार्टी है, जो मिजो शब्द का भी प्रयोग करने से बचते हैं, क्योंकि मिजो जब आप कहते हैं तो भारत के राज्य को कहते हैं। जैसे आपने जोरम कहा तो म्यांमा का वो चिन्ह कुकी प्रजातियों का, ये समुदायों का हिस्सा, मणिपुर की कुकी समुदायों का हिस्सा, वे सारे पहाड़ को एक कुकी लैंड बनाने का वह सपना रखते हैं। अभी परसों ही मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने उसको समर्थन दिया कि हम तो वी बिलीव इन दिस क्रिश्चियन। जो म्यांमा, बांग्लादेश के चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स के कुछ भाग और भारत के मिजोरम पूरा राज्य और मणिपुर, दक्षिणी मणिपुर, ये पूरा लेके हम एक ईसाई कंट्रियां बनाने का समर्थन रखते हैं। तो जब ये हुआ तो मैंने एक वीडियो किया नीरज अत्री जी के साथ किया कि ये अच्छी घटना नहीं है, इससे यहाँ पर कमजोरी आएगी और जो उत्तर पूर्व में जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है। तो उस पर मुझे कुछ DM आते हैं कुछ लोगों के कि अरे अरे ये मत बोलिए, अरे अरे ये मत बोलिए, हम वहाँ कार्य कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि मैं एक तो मैं कहने में झिझकता भी नहीं कि वहाँ बहुत अच्छा कार्य पिछले 10 वर्षों में हुआ है। अभी तक जिस हमने 65 वर्षों से तो यह भूल ही गए थे कि वह हमारे देश का एक भाग है, उसकी तुलना में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। परंतु केवल संसाधन बनाना, केवल रोड अस्पताल बनाना, केवल यही नहीं है, उसके बाद बार्गेन क्या है। अगर हम बहुत सब्सिडी दे रहे हैं तो उसमें हम धर्म का क्या लाभ हो रहा है, यह भी हमें देखना होगा। तो जब मैं ये बोला तो मुझे वो DM आया कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने कहा आप मत बोलिए, मैं तो पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो बोलूंगा। तो इसमें मैं व्यक्तियों के भी नाम नहीं ले रहा, मैं तो ये सिंपली कह रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है ये भारत के लिए अच्छी नहीं है, ये नई पार्टी पुरानी पार्टी से भी अधिक घातक है। और वो अभी 3 दिन पहले उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि ही सपोर्ट्स दैट आइडिया ऑफ ट्रांसनेशनल वो क्रिश्चियन कुकी लैंड। तो देखिए, हम तो हमारा कार्य है कि हम आउट जो भी आउटसाइड स्वरूप जी का भक्त होगा वो सच बोलेगा जी, हम तो हमें तो बोलना है हम उसमें। और उसमें यह सीताराम जी की भी यही स्ट्रेटेजी थी, वे बिल्कुल बहुत कटु सत्य बोलते थे। आप देखिए उसमें कई तो ऐसा लिख जाते थे कि आज तो लोगों के लिखने की ना हिम्मत है, और इतनी स्कॉलरशिप के साथ। तो ऐसा नहीं है कि केवल बस बेबाक बोलते थे, बेबाक के साथ उनकी शोध का जो स्तर है, लिखने का स्तर है, वह भी बहुत ऊंचा होता था। परंतु उसके साथ उनका दृष्टि ये भी रहती थी कि जो भी है, द लीस्ट एंटी हिंदू पार्टी इज दिस। तो इसमें अगर इनके कुछ नेता जो हमारे लिए काम करने के लिए आतुर हों, क्योंकि इनके बीच में आपको बहुत कुछ ऐसे लोग मिलेंगे हु आर मोर हिंदू देन अदर्स इन देयर ओन पार्टी, तो उनके साथ आप काम करते रहें और बाकी आप सत्य को बोलते रहें, क्योंकि हमारे तो हम तो बाध्य नहीं है। भाई अरुण शौरी का बोलना गलत था उस समय जब वे पार्टी के मेंबर थे, क्योंकि जब आपने पार्टी का मेंबरशिप स्वीकार ली है तो आप पार्टी लाइन से अगर अलग जाएंगे तो पार्टी से आप बाहर फेंक दिए जाएंगे। परंतु जो पार्टी का मेंबर नहीं है वह थोड़ी बाध्य है, हम तो जो हमें सत्य दिखेगा हम कहेंगे, हो सकता है हम गलत भी हों, परंतु हमको जो सत्य लग रहा है वो कह रहे हैं। पर शौरी जी का भी रिसर्च वर्क बहुत बहुत अच्छा है, उसमें तो कोई अद्वितीय है, खाली वो नहीं, आज मिशनरीज इन इंडिया, इमिनेंट हिस्टोरियंस, ओनली फादरलैंड, वर्ल्ड ऑफ फतवाज, हार्वेस्टिंग अवर सोल्स। मैं तो लोगों से पूछता हूं जो उनका केवल बीजेपी विरोध के कारण उनका विरोध करते हैं जी, लास्ट में जो उनकी पुस्तकें हैं जी, तो लेकिन ये जो पुस्तकें हैं, मैं तो कह रहा हूं इस क्षेत्र में, डिसिप्लिन में, आज भी इससे अच्छी पुस्तक नहीं लिखी गई।
कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अगर आप भारत में कम्युनिस्टों के पाप को अगर आप देखना चाहें तो सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन अरुण शौरी ने किया। फतवा ये कैसे देते हैं और उनकी साइकी क्या होती है, उनकी मानसिकता क्या होती है, वर्ल्ड ऑफ फतवा से अच्छा उसमें जो एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि ये इनका मस्तिष्क कैसे काम करता है कि एक बार दो गुटों में ये जो शरिया के जो गुट हैं उनमें लड़ाई हो गई कि घोड़े के मुंह में दांत कितने होते हैं। तो अब इस पर जो है बड़ा विवाद हुआ, तो एक का कहना था कि इतने और एक का कहना था कि इतने, उसमें 4-5 का अंतर था। तो उन पर बहुत बहस हुई और बहुत पूरे दिन बहस चलती रही। तो पूरे दिन पे भी वो जो है वो सर्वसम्मति नहीं आ पाई कि घोड़े के मुंह में दांत कितने होते हैं। तो एक नादान अमोमीन बालक जो वहाँ मुसलमान ही था लेकिन वो अभी तक इस्लाम अच्छे से नहीं समझ पाया था, उसने कहा तो घोड़े का मुंह खोल के गिन लो। तो उसको एकदम डांट के चुप करा दिया जाता है कि ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई तरीका है। तो वे रिट्रीट में जाते हैं, अकल का नहीं ये नकल का काम है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम जो है नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। तो वे जाते हैं, कई महीनों तक बड़ी थीसिस प्रिपेयर करते हैं, फिर से वो बहस करने के लिए आते हैं कि घोड़े के मुंह में दांत कितने होते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का तो उनके यहाँ कोई रोल ही नहीं है कि आप भाई उसका मुंह खोल के दांत गिन भी सकते हो। इस तरह की मुझे याद नहीं कि यह घटना वर्ल्ड ऑफ फतवाज में है कि नहीं, पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो इस्लामिक साइकी को समझाते हैं वर्ल्ड ऑफ फतवाज में बहुत अच्छे से बताई गई। लेकिन जो जैसे एक कार्यक्रम इनके बहुत सारे आते हैं जिसमें शरिया के प्रश्न पूछते हैं मुसलमान, तो उसमें एक ऐसा प्रश्न था, उसमें हो सकता है कि कुछ जो मुस्लिम यूथ है मजे भी लेते हों मौलवियों के, तो उसमें एक दिन पूछता है, मैं फॉलो कर रहा था रोज उसको, तो एक दिन आके वो पूछता है कि रमजान में, क्योंकि थूक से भी जो रोजा टूट जाता है, तो लेकिन वो बोलता है कि इस हदीस के अनुसार अगर मेरे मुंह में थूक आता है तो मैं निगल लूं या उगल दूं। तो वो पूछता है तो वो बोलता है कि आप उगल बाहर निकाल दो, क्योंकि निगला तो वो रोजा टूट जाएगा। तो बोले कि मैं दाईं ओर थूकूं या मैं बाईं ओर थूकूं। तो अगला प्रश्न आता है तो वो फिर कहता है मैं पढ़ के बताऊंगा, तो वो हदीस देख के अगले कि बाईं या दाईं ओर थूकें। तो बोले बाईं ओर अगर दीवार है तो दीवार पे थूक दूं या फिर दाईं ओर जो खाली हिस्सा है वहां थूक। तो अब देखिए ये वो स्पष्ट ही वो मजे ले रहा था वो मालवी के इस प्रकार से, कोई होगा वो जिसको हाँ, तो वो इस तरह से वो प्रश्न पूछ रहा था। लेकिन ये साइकी क्या है, क्योंकि एक बार मेरे गुरु से एक उनके एक मुस्लिम मित्र ने कहा तुमको पता नहीं है इस्लाम सुई से भी बारीक है। उसका कहना ये है कि आपको इस्लाम में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यहां से मैं अगर यहां उठ के जाना चाहता हूं तो मुझे किताब में देखना होगा कि कैसे उठ के जाना है। मैं अपनी बुद्धि पर अगर निर्भर रहूंगा तो वहां वो हराम पत्नी से, करना तक भी मतलब लिखा इतनी हुआ है। तो ये क्यों आए, देखिए ये किसका, ये आउटकम है, दिस इज नॉट द कॉज, दिस इज द आउटकम ऑफ अ मेंटेलिटी जो पानी पीने में भी हाथ कैसे धोएं ये आपको 1400 साल पुराने किसी रेगिस्तान की टेक्निक से पता चलेगा। तो ये क्यों है, ये साइकी इसलिए है। उनके यहाँ एक कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं बिद्दा हराम, बिद्दा इज इनोवेशन। तो बोलते हैं इनोवेशन हराम है, कैसा भी कुछ भी नया करना हराम है। जो भी कुछ है वह इस्लाम के अंदर है, हदीस के अंदर है, शरिया के अंदर है, आप उसका पालन कीजिए तो आप होगा। तो यह इस साइकी से वह ऐसा आता है, उससे फिर ये आपको ये सब पर, उसका ये कहां से आता है, ये दर्पण कहां से आता है कि बिद्दा तो हराम है पर यूज करना हराम नहीं है। हाँ, तो ये जो हथियार का प्रयोग करते हैं तो इसको वो हदीस, देखिए हदीस इतनी सारी हैं कि उसमें से आप बहुत सारे लूप होल्स आप निकाल लेते हैं, तो फिर आप हथियारों का क्यों प्रयोग करते हैं। जो पश्चिम ने जो इतने सारे आविष्कार किए हैं, आप इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का क्यों प्रयोग करते हैं, गला तो काट रहे हैं आप काफिरों का, परंतु गला काट के इंटरनेट पे क्यों दिखा रहे हैं। तो वे तो और उसको वे समझाते हैं कि तो ताकि ये तो हम जो अभी जो काफिरों को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, बाद में हम सब समाप्त कर, जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं कि अब आंखें में जो जाली थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो देखिए कैसे बंद नहीं देखना है, बाहर निकलना नहीं है, आवाज दो स्त्रियों का एक दूसरे से बात करना बंद कर, ये नया आया है, दो स्त्रियों का एक दूसरे से एक डेढ़ हफ्ते पहले आया, हाँ जी, एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। तो वो इस अति तक भी जाएंगे। मैं कह रहा था मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूं तो उस पे बड़ा अच्छा कॉमेडी में लिखा है मैंने कि मैं दो स्त्रियों से बात करना पिचाली खत्म हो गया। तो वो इस अति तक जाएंगे और अच्छा क्या होगा, इसके बाद समाज का कलेप्स होगा। पर जब कलेप्स होगा तो वे कहेंगे कि इस्लाम को ढंग से पालन नहीं किया इसलिए कलेप्स होगा, इसलिए नहीं कि ये नियम अफसर्ड है। ये तो वही वाली बात है कि तुर्की में भूकंप आया, 40,000 लोग मर गए, लेकिन अंदर से कोई लड़का बच गया, कोई महिला बच गई, तो ये तो अल्लाह का नूर था। अरे भाई, तो बाकी लोग अल्लाह मारना चाहता 40,000 लोगों को, जो एक बच गया उसमें अल्लाह का नूर था। तो देखिए ये तो इतना सेलेक्टिव होता है कि इसमें आप समझा ही नहीं सकते। टर्की में हो रहा है, टर्की को ये जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है, मॉडर्न है, क्योंकि वे लगता है जब कमाल पाशा थे तो था शायद। नहीं, कमाल पाशा ने भी क्या किया, उन्होंने 2-3 बहुत अच्छी घटनाएं की, उनका संविधान बहुत अच्छा है। तो आज जो एर्दोगान जो कर रहा है संविधान को नष्ट कर रहा है, तुर्की के संविधान को नष्ट कर रहा है एक एक करके। उनके संविधान में आप अगर शरिया तक जाएंगे, एक तो फेस कैप बैन है, अरेबिक स्क्रिप्ट को बैन करके रोमन को उन्होंने अपनाया, तो तुर्की भाषा को रोमन में लिखने लगे और अरेबिक हटा दी। तो आज ये है कि जो मस्जिदों में कुरान अरेबिक में लिखी जाती है और वो 99% पॉपुलेशन वो पढ़ नहीं सकती, तो 99% ऑफ देम डू नॉट नो।
पर उन्होंने डिसमेंटल करने का प्रयास नहीं किया मूल से, बस कुछ समय के लिए, एक शताब्दी के लिए ये समझिए, उस सैलाब को रोके रखा एक डाइक बना के, पर वो सैलाब अब अर्दोगान के रूप में अब फिर से आ रहा है। क्योंकि देखिए, आप अतातुर्क का इतिहास देखें तो 5 साल पहले वे ईसाइयों का नरसंहार कर रहे थे, जो आर्मेनियन ईसाई हैं उनके नरसंहार में ये सारे जो नेता हैं जो तुर्की के, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा। अब तो उन्होंने वहां से तो समाप्ति कर दिया, अब तो अजरबैजान ने जो नगोर्नो काराबाख में किया, तो वहां तुर्की में तो 0% उन्होंने आर्मेनियन कर दिए थे, जो 6-7% थे उसको 0% कर दिया था। और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी देखी थी अभी रिसेंटली कि किस 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 निर्ममता से उनकी हत्याएं की गई। जी, मैंने उस पर लिखे भी हैं, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है और मैंने उस पर आर्टिकल्स और थ्रेड्स भी लिखे हैं कि ये कहते थे कि तुम्हारे लिए यहाँ स्थान नहीं है, कहाँ जाओ, तो सीरिया के डेजर्ट में जाओ। वो सीरिया का डेजर्ट कितनी दूर है, 200 किलोमीटर, कैसे जाएं, पैदल। तो अब आप सोचिए कि अपने बच्चों को और छोटे बच्चों को लेके आप पैदल चल रहे हैं और जो जा रहे हैं उस पे भी रेड हो रहे थे, रेड हो रहे हैं, उनके साथ सिपाही चलते हैं। अगर एक बच्ची जो है आपकी छोटी बच्ची और आप 2 साल के बच्चे को अगर रेगिस्तान में ले जाएंगे तो बीच में बच्चा मर गया, अब माँ वो रोते हुए उसको वो बचाने का प्रयास कर रही है, तो उनको गोली मारी जाती थी कि आप जो इस प्रोसेशन को वो रोक रहे हैं। ये कहा जाता था कि कोई ईसाई हथियार नहीं रख सकता, तो जिसके पास हथियार हैं वो सेना को सौंप दे, जिसने सौंपा कहते थे कि तुम षड्यंत्र कर रहे हो हथियार रख के, उसको तो मारा ही जाता था, जो नहीं सौंपते थे उस पर आरोप लगाते कि तुम छुपा रहे हो, और उनसे वह प्रोटेक्शन फीस लेते थे। प्रोटेक्शन किससे, उनसे स्वयं से। वे जन सामान्य को इन्वाइट करते थे कि यहाँ जो ईसाई घर हैं आओ, नियम से कानून से इनको मारो और उनके घर ऑक्यूपाई करो, और हम आपको कोई ये तुर्की में आपको कोई उसका सजा नहीं मिलेगी, इसके लॉ से कोई सजा नहीं मिलेगी। चलिए इसी बात पे रोकता हूँ आपको, वो 7% थे, 0 हो गए, बांग्लादेश में भी 7% हैं, 0 हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इस्लाम संगठित करता है, संगठित, जैसे अगर 7% मुसलमान होते है ना तो 15% हो जाते है ना, तो 7%, तो मुझे एक बात बताइए कि जो 7% ईसाई थे वहां पे या बांग्लादेश के 7% हिंदू हैं, इकट्ठा क्यों नहीं होते ये लोग, और नहीं होते तो इस्लाम दोषी कैसे हुआ? जी, तो उसमें जो इनकी मूल प्रकृति है मजहब की और धर्म की, उसमें वह अंतर है। और मैं 7% की बात बताऊं तो 1947 में 28% हिंदू हुआ करते थे बांग्लादेश में। अच्छा, तो 28 से 7 आ गए। तो इस शताब्दी का सबसे बड़ा जेनोसाइड अगर कहीं हुआ है तो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं को हुआ है, उससे भी अधिक मारे गए हैं बांग्लादेश के अंदर। जो शांतिप्रिय मित्र भारत का जो देश बताया जाता है बांग्लादेश, 21% जनता साफ कर देना पीस में, ये कैसी पीस है मुझे समझ नहीं आती, ये कैसी शांति है। 21% जनता, 28% उनकी जनसंख्या थी 1947-50 में, 51 का जो सेंसस होता है, और 51 के बाद आज उनकी 7-7.5 कुछ 7.25 इस प्रकार की उनकी वह जो जनसंख्या है। तो देखिए, एकत्र क्यों नहीं होते, क्योंकि ये मैं अपनी स्वयंभू शत्रुबोध पुस्तक में लिखता हूं, एक तो वो भी नहीं है। आज 95% मुसलमान अगर मारे जा रहे हैं तो वो हिंदू और ईसाई नहीं मार रहे हैं, कौन मार रहा है, वे मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, इस स्तर तक गिर रहे हैं। आइसिस में आपने देखा जो सबसे हत्याएं हुई हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, माँ का बेटा उसको मारा, उसके टुकड़े किए, उसकी सब्जी बना के गोश्त की माँ को खिलाई, जब वो माँ आई बच्चे को ढूंढने तो उसको खिलाई इस प्रकार। और ये इस्लाम में दो धड़े एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। एक लड़की हो रहा था, उसके पैर भी काटे जा रहे थे। जी, और एक और घटना कर रहे हो और उसका पैर भी काट रहे हो, और ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं, वो तो यजीद थी लड़की, वो यजीद के साथ कर रहे हैं, ये तो ये एक दूसरे के साथ भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में एक शिया स्त्री हज करने के लिए अपने 6 साल के बालक के साथ आती है, जब कुछ अजान होने लगती है वो बच्चा भी पढ़ने लगता है, ड्राइवर वो कुछ गलती कर देता है, ड्राइवर उठ के उसकी माँ के सामने बच्चे को, 6 साल के बच्चे को बेहड कर देता है। कल्पना कीजिए उस बर्बरता की, ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो यूनाइटेड ये भी नहीं है, ये क्यों जीतते हैं, इनका शत्रुबोध बहुत हाई है, क्योंकि ईसाई अगर 24,000 सेक्ट हैं और ये कोई यूनाइटेड 24,000 सेक्ट हैं, इस्लाम में भी बहुत सारे सेक्ट हैं, केवल शिया सुन्नी नहीं है, उमानी अपने आप को इबादी कहते हैं, कुछ अहमदिया कहते हैं, कुछ भाई कहते हैं, ये कोई यूनाइटेड नहीं है, सब कहते हैं बाकी सब गलत मुसलमान है और उन सबको हम समाप्त कर देंगे जब हम पहले हम राज करेंगे और फिर समाप्त कर देंगे। परंतु हिंदुओं ने देखेगा तो हिंदू सबके लिए शत्रु है और काफिर है। मैं आपको एक कथन बताता हूँ मोहम्मद अली जौहर का, ये जो अली ब्रदर्स थे स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की लड़ाई, हाँ उनके जो फेवरेट थे, गांधी जी के बारे में उनसे ओपिनियन पूछा गया कि आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, इस्लाम मुझे ये सिखाता है गांधी सबसे अच्छा हिंदू क्यों ना हो, वे सबसे खराब मुसलमान से नीचे ही होगा मेरे लिए। देखिए यह मानसिकता है,
कि हिंदू वे आपस में खूब लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे सब कुछ करेंगे, पर हिंदू सामने आएगा तो सारे के सारे 24-20 हजार सेक्ट सब उसको मारने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि हिंदू तो शत्रु। कुरान की वो आयत है ना कि जो काफिर है वो कीड़े मकोड़ों से भी नीचे जी नीचे हैं, तो ये शत्रुबोध उनके अंदर होता है, तो वे जीतते इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर शत्रुबोध बढ़ता है। यूनिटी केवल एक कारण नहीं, यूनिटी एक उसका हिंदू एकता तो होनी ही चाहिए, हिंदू एकता इसलिए, और मैं दूसरे उस पर आऊंगा पर पहले मैं स्पष्ट कर दूं, हिंदू एकता तो होनी चाहिए, परंतु हम हारते और अभी तक हारते कई रूप में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शत्रुबोध नहीं, हम यह नहीं जानते, हम तो सब सर्वधर्म समभाव मानते हैं, ये तो भाई हैं। जब भाई हैं तो जब यूथ को, जिसको आपने तीन पीढ़ियों तक यह समझाया जिस युवा को कि ये तो सब बराबर हैं रिलीजन, ये सब रिलीजन है, ये सब एक ही धर्म है और सब बराबर है, तो जब वो ईसाइयत अपनाता है तो और पूछता है तो बराबर ही तो थे, तो मैं बदल गया तो क्या हुआ, तो आपके पास कोई उत्तर है? तो जब हम ही उनको सिखा रहे हैं कि ये तो सब बराबर है, तो जब वो बदल लेंगे तो उसमें कोई अंतर भी नहीं होगा। तो पहले तो ये बात है कि हमारे अंदर शत्रुबोध नहीं है, कि जो शहादा में कहते हैं कि अल्लाह इज द ओनली गॉड, मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट, तो जब वो शहादा में दे एलिमिनेट ऑल पॉसिबिलिटी, सारी संभावनाएं वो समाप्त कर रहे हैं कि कोई दूसरा देवता को वो मान सकते हैं, तो फिर वो सभ्यता जो आपको समाप्त करने का प्रण रोज सवेरे ले रही है, उसको भी, उस विचार को, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, उस विचार को अगर आप शत्रु नहीं मानेंगे तो आपके अंदर शत्रुबोध कैसे आएगा? तो पहले तो हिंदुओं में उस विचार के प्रति, उस विचारधारा और उस मजहब रिलीजन के प्रति भावना जो है, सही भावना जो बिल्कुल तथ्य पर आधारित है, वह भावना हमें जगानी पड़ेगी। दूसरी, हिंदू एकता तो हमें 1947 से हमें अपने धर्म को पढ़ाने का अवकाश नहीं था, आज्ञा नहीं थी। हमारा जो संविधान है, जिस जो पुस्तक हमें अब पूजने के लिए हमें बोला जाता है, वह संविधान हमें धर्म को पढ़ाने की आज्ञा नहीं देता। तो जब आप अधर्मी, तीन पीढ़ियां आपने अधर्म में बड़ी की हैं, तो फिर वे एक कैसे हो? बाकियों क्यों अधिकार मिला है धर्म पढ़ाने का? क्योंकि वो माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक में आपके संविधान में, देखिए संविधान का जो विकास है पश्चिम में वो ईसाई पृष्ठभूमि में हुआ है। ईसाइयों को बहुत अच्छे से पता है कि संविधान में अपने अधिकार कैसे ढूंढने हैं। इस्लाम को बहुत अच्छे से पता है कि संविधान से अपने अधिकार कैसे लेने, पर हमको कुछ नहीं पता। हम तो ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट में हम दूसरों की सहायता करते रहते हैं, पर वे अपने, वो उनको डेमोक्रेसी छलावा नहीं करती, वह इस्लाम को ही बढ़ावा देते हैं, वह ईसाइयत को ही बढ़ावा देते हैं। तो आपको तो गैर डी हिंदुआइजेशन किया गया, हिंदूज केप्ट बिकमिंग लेस एंड लेस हिंदूज, मुस्लिम्स केप्ट बिकमिंग मोर एंड मोर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस केप्ट बिकमिंग मोर एंड मोर क्रिश्चियंस। तो आज आप हिंदू से जाके पूछिए, 90% को तो कोई चेतना ही नहीं है, उससे पूछे कि आप हिंदू क्यों हो, तो बस एक्सीडेंट है बर्थ का, बाकी उनके जीवन में चर्या में क्या है, क्या वो रोज कुछ ऐसा कुछ रीति निभाते हैं जिससे उनके हिंदू होने का आभास हो? केवल त्यौहार पर उन्हें याद आता है कि वे हिंदू हैं, और अब तो त्यौहार भी धीरे धीरे बैन करके वह भी समाप्त किया जा रहा है, परंपराओं पर हमला किया जा रहा है, परंपराओं पर हमला किया जा रहा है, और जीवन में कोई चर्या हिंदू है नहीं, तो हिंदू किस रूप से है? तो इसके कारण वह एकता नहीं। जब वे कुछ उनके जीवन में रोज उनको यह स्मरण हुआ आएगा कि मैं इस देवता की पूजा करता हूं, मैं इस पद्धति से रहता हूं, ये मेरे कर्तव्य हैं, इस कारण, और ऐसे ही कर्तव्य तमिलनाडु में रहने वाले हिंदू के भी हैं, तब जाके उसको एक जैसा भाव आएगा, एकत्व का भाव आएगा कि ये तमिलनाडु का हिंदू भी मेरे जैसा है, वरना वह भाषा पर बटा रहेगा, भोजन पर बटा रहेगा, जाति पर बटा रहेगा, क्षेत्र पर बटा रहेगा। तो इन्हीं और हमारे शत्रुओं का इसमें लाभ है कि हम बटे रहे, तो हिंदू एक ना होने का यह कारण है। और जिस विश्व में, मैं कल्पना कर रहा हूं, जिस विश्व में मोनोथीज्म नहीं है, प्रोफेटिक मोनोथीज्म नहीं है, यानी एकेश्वरवादी जो ये पैगंबरवाद है, ये नहीं है, इस्लाम ईसाइयत नहीं है, वहां में इतना यूनाइटेड होने की आवश्यकता भी नहीं। तो सनातन धर्म का उदय और जो विकास हुआ वो उस समाज में हुआ था, जैसे चक्रवर्ती सम्राट का जो सिद्धांत है कि घोड़ा दौड़ाया, आप घोड़ा अगर नहीं पकड़ रहे हैं तो आपने मान लिया कि सुजरेन ये ऊपर है, बाकी और उसका कोई हस्तक्षेप आपके जीवन राज्य में है ही नहीं। आप कैसे शादी करते हैं, कैसा भोजन खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। मेरे घोड़े को ना पकड़ने का अर्थ है कि जब कोई विदेशी आएगा, जब मैं लड़ूंगा तो आपको मेरे साथ लड़ना होगा, मेरे विरोध में नहीं लड़ सकते, और एक कर आपको देना होगा इस सेना को रखने के लिए। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं था, और यह जीवन जीने का सबसे अच्छा ढंग भी था उस विश्व में, कि जिसको जो करना है, अगर किसी समुदाय के जो रीतियां हैं वो रहे ना। हिंदू ढंग क्या है, आपको जो मान्यता है माननी है मानिए, आपको जो भोजन खाना है खाइए, बस आप दूसरों पर, दूसरों को बाध्य ना करें अपनी जीवन पद्धति पालन करने का। परंतु जब ईसाइयत और इस्लाम जैसे मजहब आ जाते हैं आपके बीच में, ऐसा शत्रु आपके बीच में आ जाता है, तो आपको अपने हिंदुओं को और जागृत करने की आवश्यकता है। तो इस विश्व में तो अब आपको जो शत्रु विचारधारा है उनके बारे में, उनको बारंबार बताने की बहुत आवश्यकता है। यह आपको एक करेगा। देखिए, जब एक तरीका है कि हम कौन हैं, यह जानकर स्वयंबोध हम एक हों, दूसरा तरीका है हम क्या नहीं है, इस बात पर आप जो यूनाइट है वो बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो जब हिंदुओं को ये बताया जाएगा, सीताराम जी का ढंग यही था, रामस्वरूप जी का ढंग यही था, कि प्रोफेटिक मोनोथीज्म के गुण क्या है,
वो किस प्रकार से आपके समाज को, आपकी स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास करती है, जब आप अपने हिंदू को ये बताएंगे तो स्वतः ही वह एक हो जाएंगे। तो यह चेतना, और आप अगर कहें कि हम ऐसा, देखिए ये कोई स्टैटिक नहीं है, हिंदुओं में जो भाव है मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 22 वर्ष पहले जो मैंने आरंभ किया इस पथ पर, तो अगर आप अपने आवाज़ में, अपने शहर में, ग्वालियर से मैं था, ग्वालियर में आप बाड़े पर अगर खड़े होकर चिल्लाए तो दूसरा सुनने वाला नहीं था इस बात, और सब मुझसे कहते तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, करियर बर्बाद कर रहे हो, क्या हिंदू मुस्लिम किस में लग गए हो, इससे क्या होता है, क्या होना है। और आज मैं देख रहा हूँ कि जब जयपुर डायलॉग्स जब आयोजित होता है तो लोग 10-10 हज़ार के टिकट देख के, हज़ारों लोग वहाँ ये बातें सुनने के लिए आते हैं, जो ऐसे शोधकर्ता हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो समाज में बहुत बदलाव आया। जय साईं दीपक की जो पुस्तक है आज, वह विलियम डैलरिंपल की पुस्तक से अधिक बिकती है। आप एयरपोर्ट्स पर तो देख लीजिए, जो अमेजोन पे जो आंकड़ा है वो देखिए, ब्लूम्सबेरी का आधा जो कारोबार है। तो डैलरिंपल क्या है? स्टूज। जी वो तो है ही, पर मैं कह रहा हूँ आज एक समय ये जो वामपंथी थे जिनका पूरा स्ट्रेंगल होल्ड था सिस्टम पर, आज वहां से स्थिति इतनी बदल गई है कि जय साईं दीपक, अमी गनात्रा, विक्रम संपत, आनंद रंगनाथन, ऐसे जो विचारक और जो लेखक हैं इनकी पुस्तकें अधिक बिक रही हैं। आज जो विलियम डैलरिंपल के जो चमचे हैं तो उनमें बहुत सारे इतिहासकार अपने आप को कहते हैं, अनिरुद्ध कनिसेट्टी जैसे या मनु पिल्ले जैसे, आप उनके अकाउंट्स में जाके देखिए सोशल मीडिया पे, उनको को ना कोई पसंद कर रहा है, ना उनसे कोई बातचीत कर रहा है, उनकी किताबें बिकती क्यों हैं? सारी लाइब्रेरीज खरीद के, आज भी उनका तंत्र वहाँ है, 1000 कॉपी 2000 कॉपी वो खरीद के करते हैं, वो पूरे विश्व में 100 लोग उनको रिव्यू कर देते हैं, इस तरह से बिक रहे हैं। परंतु हिंदू बिक रहे हैं सीधे, क्योंकि एक बुक जब छपती है अगर वो अच्छी है तो हिंदू आंदोलन के अंदर 1000-2000 बिकना बहुत आसान है, 2000-3000 बिकना बहुत आसान है। आप एक किसी लिट फेस्ट में जाइए और आप वहां अगर अच्छी पुस्तक है तो वह बिकेगी। मुझे ये भी लगता है कि राम स्वरूप जी और सीताराम गोयल जी किताबें अब ज्यादा बिक रही हैं, अब बिक रही हैं, पहले की तुलना में अब ज्यादा बिकती है उनकी किताब। तो जो मैं तो उनसे, जो उनके साले साहब हैं, वे आज भी हरीश जी हैं, वे अभी भी जीवित हैं, तो उनसे मिलता रहता हूं मैं, सीताराम जी के जो है, वो बोलते हैं अब उसकी सेल कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये पूरा आंदोलन उनके ही कंधों पर खड़ा हुआ है। आज जो भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हम उनके ही कंधों पर खड़े हुए हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बदलाव आया है, पर्याप्त नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ करना है। परंतु मैं 22 वर्षों में बहुत बदलाव देख रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव बदलाव देख रहा हूँ। पर ये वही वाली बात है ना, आपने कॉलर पकड़ के चढ़ा दिया है तब जाके बदलाव हुआ है ना, अगर नहीं चढ़ाते हो तो क्या पता तब भी नहीं होता। कॉलर पकड़ के चढ़ा दिया आपने तो क्या करें, विरोध कर रहे हो आप। मुझे वो भी समझ में नहीं आता कि आपको लगता है कि हमारा धर्म ही काफी अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा मुझे एक और क्लैरिटी दे दूं मैं अपने दर्शकों के लिए कि धर्म केवल सनातन है, बाकी रिलीजन है, क्योंकि उसमें अंतर है। धर्म मतलब अच्छे काम को धर्म कहा जा सकता है, रिलीजन मतलब यू हैव टू फॉलो सर्टेन वे, वो रिलीजन होता है। तो धर्म मतलब केवल हिंदू धर्म है और ये दोनों एक नहीं है। जी बिल्कुल ही एक नहीं है, बहुत अलग है। जी 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 हाँ। तो मेरा ये कहना है कि इस धर्म में जब भी, क्या सनातन धर्म जो है वो, उसके जो विचार हैं क्या वो काफी हैं इसको बचाने के लिए? जी इसलिए मैं, जो मेरी पुस्तक का नाम स्वयंबोध और शत्रुबोध, कि हमारा ऐसा समाज जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ पहले प्रैक्टिस आती है उसको बाद में बुक में लिखा जाता है। तो अगर कोई इमरजेंसी आती है, अगर कोई आकस्मिक काल आता है, तो उस समय उससे निपटने के लिए जो भी आवश्यकता हो वो हम करेंगे, उसके शास्त्र भी बनाए जाएंगे, बाद में वो शास्त्र लिखे भी जाएंगे। तो अगर कोई बिल्कुल ही नई संकट जो आपके सामने खड़ा होता है, तो आप सोचिए, अपनी बुद्धि उसमें लगाइए, उससे कैसे निपटें, उसकी रणनीति तैयार कीजिए, उसके बाद उसके शास्त्र भी बनेंगे। तो यह बारंबार हुआ है। देखिए पहले जो मैं बहुत उसमें गहरा नहीं जाऊंगा, पर मैं मंदिरों का अध्ययन करता हूं, तो बहुत आरंभिक काल में पत्थरों में, बहुत पाषाण में बहुत मंदिर नहीं बांधते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो इकोलॉजिकल जो ढंग था वो यह था कि आप मिट्टी, पेड़ पौधे, इनसे आप उत्सर्जन विसर्जन का सिद्धांत था। आज भी आप गणपति का उत्सर्जन करते हैं, 7-8-9 दिन बाद विसर्जन करते हैं, माँ के साथ भी यही करते हैं जब नवदुर्गे आते हैं, यज्ञ वेदी में भी यही करते हैं, हम यज्ञ वेदी बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, जब समाप्त हो गया तो वो डिसमेंटल शरीर के साथ भी कर रहे हैं, शरीर के साथ भी। तो यही, ये बड़ी, क्योंकि यह परमानेंट नहीं है, दृष्टि बारंबार हिंदू यह उसको दोहराते रहते हैं। तो यही हम मंदिरों के साथ करते थे। परंतु जब बौद्ध इस देश में आए, तो जबकि वे कहते हैं कि कुछ भी नेति नेति, यह भी सत्य नहीं, यह भी सत्य नहीं, यह भी सत्य नहीं है, परंतु पूरे देश में सारे जो गुफाएं हैं, पहाड़ को खोद खोद के उसमें बौद्ध विहार और बौद्ध की मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे। जो लोग ये कहते थे कि कुछ भी सत्य नहीं है, वे सबसे बड़े पाषाण के पुतले वही बनाने लगे। तो उसके बाद सनातन धर्म, जो हमारे ऋषियों ने सोचा होगा कि अगर अब वे पाषाण में, पत्थर में मंदिर नहीं बांधते हैं, तो उसका असर ये होगा कि आज और आप और हम वामपंथी, जो झूठ है कि पहले तो सब बौद्ध थे, दुष्ट ब्राह्मणों ने इनको कन्वर्ट करके हिंदू बना लिया, ये जो अभी चलाते हैं, आज होता, हो सकता है कि हम में से कई इस पर विश्वास कर लेते हैं कि मंदिर कहाँ है,
ये तो सारे ये बौद्ध ही हमें चिन्ह देखते हैं 2000 साल पहले, अगर कोई पुरानी अगर आप कोई ढांचा ढूंढते हैं तो बौद्ध ही मिलता है। उस समय अगर ऐसा होता तो सनातन धर्म ने यह सोचा, पत्थर में मंदिर निर्माण बहुत तेजी से आरंभ हुआ और इतना किया कि वी सो आउटडेड बुद्धिस्ट कि इस देश में तो उनके लिए स्पेस वो बनाने के लिए बहुत कम बचा। स्ट्रक्चर कहते हैं कि दो तरह के मंदिर होते हैं, रॉक कट जो आप पहाड़ खोद के बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर जो अलग अलग पत्थरों को मिलाकर बनाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर बाद में आता है, रॉक कट पहले आता है। तो बौद्ध भारत के अंदर स्ट्रक्चरल टेम्पल की स्थिति तक पहुंचे नहीं, केवल रॉक कट तक ही बचे रहे। उसके बाद जो हिंदू मंदिरों ने जो किया, एक एक गली के अंदर एक बहुत प्राचीन और भव्य मंदिर हुआ। तो यह और देखिए उसके बाद आगम बने, उससे पहले ये ग्रंथ नहीं थे। तो एक समस्या आई, उस संकट आया, उस संकट का रिएक्शन आया समाज में, उन्होंने वह पहले प्रक्रिया की, उसके बाद सारे शास्त्र बनाए। तो अगर कोई नया संकट आता है तो उसका हम प्रतिकार करेंगे, उसके बाद उसके शास्त्र भी बनेंगे, लिखे भी जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। हम कोई नया कार्य बिल्कुल करने में सक्षम है, सनातन धर्म ने अब बारंबार किया और बारंबार यह होगा। आप मेरे इस विचार से अग्री करते हैं कि अशोक दिया राजा था जिसने सबसे पहला विश्व का जीनोसाइड किया था, आजीविकों को इस तरह से मार के खत्म कर दिया था, 18,021 आजीविकों को मारा। उसके बाद चूंकि हमारे जो चाचा जी थे उनको कुछ और समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला कि चलो यार इसको उठा लेते हैं। मैं उस शब्द का प्रयोग करना चाहूं या ना करना चाहूं, परंतु वह बहुत ही सनकी और क्रूर राजाओं में से एक रहा है। हाँ, और केवल क्रूर ही मतलब नहीं होता है, और केवल क्रूर ही नहीं, बहुत सनकी भी था। तो जिस प्रकार से वह ब्राह्मणों के सर काट के लाने के और उनके चोटियों के अंबार लगाता था, जो बाद में मुसलमानों ने किया है, वह अशोक ने ब्राह्मणों के साथ और जैनियों के साथ भी बहुत कुछ किया है। वो जैनियों वाला जो था, एक की गर्दन काट के लाओगे जैनी की तो एक अशर्फी दूंगा, फिर शायद अपने सगे भाई की गर्दन कट गई बेटा अशोक की जी। तो उसमें शायद बहुत झूठ बोला गया है। अच्छा, कि जब हमारी पुस्तकें लिखी गई तो दो ही महान राजा थे, हम सब जानते हैं, एक अशोक थे और अकबर थे। हिंदुओं में तो कुछ हुआ ही नहीं था, हम तो सब हमने तो डिस्क्रिमिनेट किया। नहीं, हम हमारे लिए एक बड़ा अच्छा था कि क्या था, आप महान है और हम कीटाणु है। हाँ, नहीं, ये मैं तो कहता हूँ ये हास्यास्पद नहीं, क्योंकि ये पुस्तकों में ऐसा ही जी, था जी, बिल्कुल। हाँ, कि हमने दो ही राजाओं का तो नाम पढ़ा है, एक महान अकबर हुए और दूसरे एक महान अशोक हुए और उसके बाद अकबर हुए, बीच में कुछ नहीं था और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो यह लेकिन कुछ साहित्य में इसके चिन्ह मिलते हैं, इतिहास में तो मिलते हैं। कुछ जैनी साहित्यकार हैं जो मैं अभी नाम भूल रहा हूं, पर एक बहुत सुंदर मुझे नाट्य मिला था जिसमें अशोक की बर्बरता को बहुत सुंदरता से बताया है, और वो एक जैनी साहित्यकार है। तो वो नहीं शर्मा रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो इतिहास को जैसा है वैसा ही लिखने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु बाकी जो हमारी पुस्तकों में है तो ये बहुत हुआ है। हालांकि अब मैं देख रहा हूं पिछले 10-15 वर्षों में अशोक की जो इमेज थी वह बहुत नीचे गिर चुकी है, समाज जीव सन्याल ने भी ठेका ले लिया जी, जी। नहीं, और बहुत अच्छी बात है। और ये क्योंकि ये विक्रम संपत जैसे, संजीव जी जैसे ऐसे लेखक आ गए हैं जो सच को बहुत अच्छे से बताना चाह रहे हैं और बहुत अच्छी भाषा में बता पा रहे हैं। तो अब चेतना फैल रही है, इसमें समय लगेगा थोड़ा, लेकिन निश्चित ही फैलेगी। चलिए मैं थोड़ा एक दो सवाल अपने पुराने वाले ले लेता हूँ, वरना फिर एकदम से मतलब जी बहुत वेरी इंटरेस्टिंग जो भी हुआ है अभी हमारे पास। शास्त्र अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, शास्त्रों की पढ़ाई की शुरुआत करना चाहता है तो क्या करे, व्हाट ऑल बुक्स? सबसे पहले केवल दो, रामायण और महाभारत का पठन करें, क्योंकि उनका सृजन ही इस कारण से हुआ है। विच वन? रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से किसी में समस्या नहीं, जो आपको सरलता से उपलब्ध हो वो आप पढ़ें। अभी उनका निधन हुआ, बहुत दुखद घटना है, विवेक देवराय जी का, उन्होंने बहुत सुंदर अनुवाद अंग्रेजी में किया है रामायण का, वाल्मीकि रामायण का किया, वो बहुत सुंदर अनुवाद है। मैं मानता हूँ हर बच्चे को वह अनुवाद पढ़ना चाहिए। उन्होंने महाभारत का भी कर दिया, बहुत सौभाग्य हमारा, रामायण महाभारत कर दिया उन्होंने तो। 10 वॉल्यूम का जो महाभारत विवेक देवराय का आता है वह संपूर्ण है, उसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैंने महासमर पढ़ा है, नरेंद्र कुजी जी। हाँ जी, वो उसके बहुत निकट है। हाँ, तो वो बहुत सुंदर है, परंतु मैं कहता हूँ कि वह फिर भी साहित्य। पर मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं गाइज, महासमर पढ़ते टाइम सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ना मुझे सोने का ध्यान था, वो इतनी इंटरेस्टिंग लिखी गई है, ना मुझे सोने का ध्यान है, ना मुझे खाने का ध्यान है। मैंने उसकी 9 किताबें खत्म करने के बाद ही कुछ सोचा कि अब ये कर सकते हैं, इतना शानदार लिखा जी, वो बहुत सुंदर लिखा है। और मैं एक घटना बताऊं नरेंद्र कोहली जी के महासमर की, कि मैं ऐसे ही एक जयपुर डायलॉग्स या कहीं और में था, किसी गोष्ठी में बैठा था, और अचानक से एक व्यक्ति आता है, कहता है मैं आपको बहुत समय से पढ़ रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं और आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए। मेरे हाथ में नरेंद्र कोहली जी का महासमर का एक खंड पकड़ा के और वह चला गया। मुझे वो नाम भी अब याद नहीं है, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं अगर वो देख रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद मैंने पढ़ा और फिर बहुत ही सुंदर। तो लेकिन उसके बाद भी मूल महाभारत क्या है जो वेदव्यास ने लिखा है वह सबको पढ़ना चाहिए, और रामायण पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका घोषित लक्ष्य ही है वेदों का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ही रामायण और महाभारत इतिहास का लक्ष्य है।
तो जो वेद का सार है वो आपको रामायण और महाभारत पढ़ के भी समझ में आ सकता है। तो सीधे वेदों तक, क्योंकि वेद मैनुअल की भांति है, उनको समझना पहले अगर आप आरंभ करेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप इतिहास को पढ़िए, उसके बाद आप उन तक। अभी इधर बीच क्या हो रहा है, हिंदू धर्म का थोड़ा इस बात से मजाक उड़ता है कि बड़े आडंबरी लोग घुस जाते हैं उसमें। बहुत सारे आडंबरी लोग होते हैं जो बाबा टाइप के होते हैं, जिन जो कथावाचक होते हैं, जिनका केवल होता है मतलब कितना माल अंदर आ रहा है उसका, उसकी चिंता करो जी। ऐसे लोग हर समुदाय और संप्रदाय में सदैव रहे, और अगर एक हेल्दी समाज है तो उसका धीरे धीरे मजाक उड़ा के उनको अपने स्थान पर वो लाता भी रहता है, जो हमारा समाज करता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये संप्रदाय और ये पूरा जो हिंदू समुदाय समाज है यही पतित है। उसमें कुछ जो अति करेंगे उनका आप मजाक उड़ा के, उनको रिडिक्यूल करके, यू विल पुट देम इन देयर प्लेस। यह ग्रीस में भी होता रहता था। और अगर बात करें कि हिंदुओं में ऐसा करते हैं, तो अभी आप बहुत सारे, आपने बजिंदर सिंह के वीडियो देखे होंगे, आपने जो मेरा यशु, यशु, मेरा यशु, यशु। तो उसमें अगर आप रिडिक्युलस में कंपैरिजन करें, तुलना करें कि कौन अधिक रिडिक्युलस, तो मुझे तो उससे अधिक रिडिक्युलस जो है वो तो टॉप नहीं है, नंबर वन पे वही है। आप जो इस्लामिक उर्स में जो होता है वो अगर आप जाके अंदर देख लें। अच्छा, तो मैं जाना चाहूंगा, मैं गया नहीं हूं। जी जी जी, आप ईमान अगर लाना चाहें इस्लाम में तो आपको जाने दिया जाएगा, थोड़े समय के लिए आप ला सकते हैं, बस कबूले ना, क्योंकि अगर कबूलने के बाद आप वापस आए तो आपको मार दिया जाएगा। तो उर्स में जाके आप देखें, तो उनमें भी होता है, हर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं। एक स्वस्थ समाज उसका मजाक उड़ाएगा परंतु प्रोसिक्यूट नहीं करेगा। भाई ये स्वतंत्र समाज है कि कोई अगर मूर्खता कर रहा है और उस मूर्खता में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो यह राज्य की गलती नहीं है। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, एक जो बाबा थे पर्स खोलते थे, खुलवाते थे, आप पर्स खोलिए और धन आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें अच्छा बुरा कुछ बोल ही नहीं रहा, पर अगर वो पर्स खुलवा रहे हैं और कोई अपना पर्स खोल के और जीपे से उनके अकाउंट में पैसे डाल रहा है, इसमें राज्य की क्या गलती है, इसमें राज्य की क्या गलती है, मैं बताइए। वो अगर मूर्ख भी बना रहे हैं और कोई मूर्ख बन रहा है, तो इसमें तीसरे व्यक्ति की गलती नहीं है। समाज का कार्य है, साहित्यकार, हमारे साहित्य में, संस्कृत साहित्य में बारम्बार ये हुआ है कि ऐसी प्रवृत्ति का मजाक उड़ाया जाता है, जिससे कि जो प्रबुद्ध समाज है उसका मजाक उड़ाता रहे। तो जो उनको पालन करते हैं, प्रबुद्ध समाज का, प्रबुद्ध वर्ग को, उनके मन में रहे कि ये थोड़ा इनको, ये इतने सीरियस नहीं है, इतने गहरे नहीं है। जिस प्रकार से संस्कृत में देखिए, संस्कृत साहित्य में एक बहुत सुंदर नाटक है, शूद्रक लेखक का मृच्छकटिकम। अब वो इतना आनंद है, आप उसको ऐसा पढ़िए, ऐसा लगता है कि आज का एक स्किट है, कोई कॉमेडी सर्कस में या कोई स्किट है, इस तरह का वो लगता है। और वह 900 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना है और बड़ा उच्च कोटि का है, लेकिन उसमें मजाक जिस व्यंग और हास्य जिस रूप का है, जिस स्तर का है, वह है उसमें सबका मजाक उड़ाया गया है। अच्छा, जब हम उसमें देखिए, उसका मैं घटना बताता हूँ। वह जो उसका नायक है वह ब्राह्मण है परंतु वह व्यापार करता है, विवाहित है परंतु वैश्या से उसको प्रेम हो जाता है, और उसका जो पंडित जो मित्र है वह उसको वैश्या से मिलाने का कार्य करता है। तो अब ये जो हमारी अवधारणा है आपकी सारी, इट विल ऑल ब्रेक डाउन इन दिस वन सिंगल सेटिंग। तो हमारा समाज कोई एक ही धारा है बिल्कुल, ये इसके अलावा कुछ पालन नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, बड़ा विविध समाज था, इसमें बहुत सारी धाराएं थी। और हम इस तरह से परिहास उड़ा के जो ऐसी हैं, ये ग्रीस में भी ऐसा होता था कि देखिए कोई राज्य उसको पनिश नहीं करेगा। जैसे जिन बाबा की मैंने बात करी, तो राज्य की चिंता नहीं है कि उनको वो रोकें ना रोकें, कोई अपराध नहीं करते हैं तो, लेकिन समाज उनका उपहास उड़ा के ये समझाएगा कि ये इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, या अगर आप माया दूसरों को यह माया है समझाते हुए पोर्श ले लें या डियोर का बैग ले लें, तो मैं नाम नहीं लूंगा, तो हमें समझ में आ जाएगा जब हम उपहास उड़ाएंगे कि यह आपकी बात सत्य नहीं है। और उसके बाद बोलने लगे मैं तो गृहस्थ थी, मैं तो ये थी, मैं तो वो थी, तो वो अगर आप करेंगे तो वो सबको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हिंदू ढंग ये है उपहास उड़ाने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पंकज भाई से मिले, मुझे उम्मीद है जितना सही मुझे लगा, जितना मुझे, मैं पम्प्ड अप हूं, कहते हैं ना उसे, आई एम रेडी टू मेक श्योर कि हमारा धर्म अपने ही जो जलवा है वैसे ही वापस आए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे केरला हो। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।